हेलो बच्चों, सी के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सबका स्वागत है तो बच्चों इससे पहले आईआईटी मेंस के प्रीवियस ईयर पेपर्स ऑलरेडी अपलोड किए जा चुके हैं और अब सी आपके लिए लेकर के आया है आईआईटी एडवांस के प्रीवियस ईयर पेपर्स जिसमें 2013 से लेकर के 2020 तक के सारे क्वेश्चन पेपर वन से पेपर वन पेपर टू सबके सारे क्वेश्चन यहाँ इंक्लूडेड है और हर एक क्वेश्चन का आपको सोल्यूशन मिलेगा आज का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है एस एच एम इलास्टिसिटी सरफेस टेंशन एंड मैकेनिक्स तो इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन अब तक पूछे गए हैं टू थाउजेंड थर्टीन से लेकर टू थाउजेंड ट्वेंटी तक वो सारे क्वेश्चन हम लोग यहाँ आज डिस्कस करने वाले तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर वन देखो इसमें क्या लिखा है वन एंड ऑफ अ हॉर्जेंटल थिक कॉपर वायर ऑफ लेंथ टू एल एंड रेडियस टू आर इज वेल्डेड टू

अब दोनों तरफ फोर्स लगा करके इसको स्ट्रेच किया जा रहा है द रेशियो ऑफ द इलोंगेशन इन थिन वायर इस वायर में जो इलोंगेशन है ठीक है टू दैट इन थिक वायर इज अब हम लोगों को इलोंगेशन का रेशियो फाइंड करना है देखो बच्चों, ये तो तय है कि जो फोर्स लगेगा वो सब जगह एफ ही लगेगा मान लेते हैं एफ है तो यहां पर भी एफ लग रहा है इधर भी एफ लग रहा है फोर्स सेम हो गए हम लोग लेंथ के लिए ऐसा लिख सकते हैं चेंज इन चेंज इन लेंथ या इलांगेशन अपॉन टोटल लेंथ इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया इनटू यंग्स टू अब इससे आप ऐसा भी लिख सकते हो डेल्टा एल इज इक्वल्स टू एफ एल बाय ए वाई फोर्स सेम है यंग्स सेम यंग क्योंकि सेम मटेरियल है दोनों कॉपर वायर से ही बना हुआ एक थिक वायर है एक थिन वायर है तो यंग्स मॉडलर सेम है फोर्स सेम है हम लोग ऐसा लिख सकते हैं डेल्टा एल इज़ प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए और एरिया को पाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं इसका मतलब आप ऐसे भी लिख सकते हो डेल्टा एल इज प्रोपोर्शनल टू एल बाई आर स्क्वायर। अब थिन वायर को पहले लेना है फिर थिक वायर तो हम लोग थिन वायर के एलोंगेशन को डेल्टा एल वन से डिनोट कर देते हैं और थिक वायर के एलोंगेशन को डेल्टा एल टू लिख देते देखो यहाँ पर जो टर्म है उसके अकॉर्डिंग अगर आप लिखोगे तो एल वन बाय एल टू फिर यहाँ पर आर टू स्क्वेयर बाय आर वन स्क्वायर तो एक बार में ऐसे स्क्वायर लिख देते एल वन किसके लिए लेना है थिन वायर के लिए थिन वायर के लिए लेंथ एल है तो ये एल नीचे टू एल ये रेशियो क्या हो जाएगा वन बाई टू उसके बाद R2 टू बाई आर वन आर टू थिक वायर का है देखो यहां पर 2R है यहां पर R है यानी कि ये रेशियो 2 हो जाएगा इसका स्क्वायर कर दे तो 4 बाई टू आंसर क्या आ जाएगा 2 करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थ्री सिंपल है अब हम लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू देखो ध्यान देना इसमें क्या लिखा है सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस एंड डेंसिटी अटैच टू वन एंड ऑफ अ मासलेस स्प्रिंग ऑफ फोर्स कॉन्स्टेंट के सॉलिड स्पियर की डेंसिटी दी हुई है और जिस स्प्रिंग से अटैच है उसका फोर्स कॉन्स्टेंट गिवन है द अदर एंड ऑफ द स्प्रिंग इज कनेक्टेड टू अनादर सॉलिड स्पीयर ऑफ रेडियस आर एंड डेंसिटी जीरो देखो रेडियस दोनों के लिए सेम है डेंसिटी थ्री टाइम्स यानी मास भी थ्री टाइम्स क्योंकि वॉल्यूम सेम होगा ना द कम्प्लीट अरेंजमेंट इज प्लेस्ड इन अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी टू रो देखो ये रो ये थ्री रो इसका एवरेज है क्या एवरेज है रो और थ्री रो इसको आप प्लस करके डिवाइडेड बाई टू करोगे तो टू रो आ जाएगा ठीक है एंड इज अलाउड टू रीच इक्लिवरियम द करेक्ट स्टेटमेंट्स इज तो अब बहुत सिंपल सा क्वेश्चन हो गया बच्चों यहाँ पर ये एक स्फियर है ये एक स्प्रिंग और ये दूसरा स्फियर इसकी डेंसिटी रो है तो मास हम लोग एम मान लेते दूसरे स्फीयर के लिए डेंसिटी थ्री रो है इसका मास थ्री एम मान लें और जो लिक्विड है उसकी डेंसिटी टू रो है यानी इस पर जो ऊपर की तरफ बायसी लगेगा ये टू एम जी लगेगा और इस पर भी ऊपर की तरफ जो बायसी लगेगा ये टू एम जी लगेगा यहाँ तक समझ में आ रहा है अब अगर आप पूरे को सिस्टम मान लो पूरे को, को सिस्टम मान लेते हैं तो ऊपर की तरफ जो नेट बायेंसी होगा वो कितना हो जाएगा फोर एम जी के एक्स अभी इंटरनल फोर्स हो जाएगा ना अगर एम वन एम टू दोनों को सिस्टम मान ले तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में नेट वेट होगा और वो भी एम जी प्लस थ्री एम जी एम जी प्लस थ्री एम जी यानि कि ये भी फोर एम जी है और ये भी फोर एम जी है इक्लिवियम कंडीशन में तो हम लोग ये कह सकते हैं कि पूरा का पूरा अरेंजमेंट लिक्विड के अंदर होगा तभी तो इस पर बाइंसी जो है वो टू एम जी लगेगा इस पर भी टू एम जी लगेगा यह समझ में आया तो हम लोग इतना कह सकते हैं कि ये अरेंजमेंट इक्विबियम में है और पूरा का पूरा अरेंजमेंट कंप्लीटली लिक्विड के अंदर होगा अब हम लोग ऑप्शन की बात करते हैं नेट इलोंगेशन नेट इलोंगेशन देखो फर्स्ट और सेकेंड में नेट इलोंगेशन की बात हो रही है थर्ड और फोर्थ में लिखा है द लाइट स्फियर इज पार्शली और कंप्लीटली सबमर्ज थर्ड और फोर्थ में तो हम लोग ये कह सकते हैं कि कंप्लीटली सबमर्ड है ऑप्शन नंबर फोर्थ करेक्ट होगा थर्ड इनकरेक्ट होगा ये क्लियर हो गया फर्स्ट सेकेंड में इलोंगेशन है अब इलोंगेशन के लिए किसी एक को हम लोग इसको सिस्टम मान लेते हैं ठीक है बाकी सारा अरेंजमेंट इसको डिलीट करो देखो ध्यान देना जो अपर स्फीयर था एम इस पर ऊपर की तरफ फोर्स कितना लग रहा था बाई 2 सी टू एम लग रहा था नीचे की तरफ एक तो एम लगेगा और एक स्प्रिंग फोर्स लगेगा जिसको हम लोग के एक्स कह दें तो के एक्स प्लस एम जी टू एम इक्वल होगा या आप के एक्स को एम के इक्वल लिख सकते हो या फिर एक्स को एम जी बाय के लिख सकते हो ये समझ में आ गया ना के एक्स एम इक्वल है तो एक्स की वैल्यू एम जी बाई के अब मास को फोर बाई थ्री पाई आर क्यूव इन डेंसिटी लिख दे उसके बाद यहां पर g और डिवाइड में k ये k लिखा है तो अब देखो ऐसा किसमें लिखा है ये वाला ऑप्शन है क्या फोर पाई आर क्यूब रो जी बाई थ्री के यहां पर एट लिखा है तो ऑप्शन नंबर टू इनकरेक्ट फर्स्ट करेक्ट और इससे पहले मैंने बताया थर्ड इनकरेक्ट फोर्थ करेक्ट तो इसमें दो ऑप्शंस करेक्ट होंगे फर्स्ट और फोर्थ अब आगे बढ़ेंगे बच्चों ये था क्वेश्चन नंबर टू नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थ्री देखो इसमें क्या लिखा है अ पार्टिकल ऑफ अ मास इज अटैच टू वन एंड ऑफ अ मासलेस स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट के लाइंग ऑन अ फ्रिक्शन लेस हॉर्जेंटल प्लेन ठीक है एक हॉर्जेंटल सरफेस पर एक ब्लॉक रखा है जिसका मास गिवन है और ये एक स्प्रिंग से अटैच है अदर एंड ऑफ द स्प्रिंगिक्स दार्टिकल स्टार्ट मूविंग हर्जेंटली फ्रॉम इक्म पोजिशन एट टीवल टू जीरो स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज पॉइंट फाइव यूनॉट इट कोलाइट इलास्टिकली विदिड वॉल आफ्टर दिस को पहले एक क्वेश्चन को आप समझ लो ऑप्शन के बाद में बात करते हैं ऐसा कंसिडर कर लें एक ब्लॉक यहां पर है और ये एक स्प्रिंग से इस तरह से अटैच्ड है जब ये मीन पोजीशन पर है इसकी वेलोसिटी है यू नॉट स्प्रिंग कांस्टेंट के मास है अब ये उस तरफ मूव कर रहा है टूवर्ड्स राइट राइट वर्ड यहां पर एक वॉल है जिसके साथ ये कोलाइड करता है एंड द कोलिजन इज परफेक्टली इलास्टिक इलास्टिकली कोलाइड करता है Collision के बाद यह वापस लौटेगा जो स्पीड थी उसकी उसी स्पीड से वापस लौट जाएगा ये समझ में आया और उस वक्त स्पीड गिवन है पॉइंट फाइव यू यानी यू नॉट बाई टू यू नॉट बाई टू स्पीड से टकराया यू नॉट बाई टू स्पीड से ही वापस आएगा उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर लेकिन अलग अलग टाइम पर स्पीड अलग होगी एस जैसा है ठीक है चलो अब ऑप्शन एक बार चेक कर ले फिर सॉल्व करेंगे लिखा है इफ स्पीड ऑफ द पार्टिकल द स्पीड ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट रिटर्न्स टू द दिडियम पोजिशन इज यू नॉट ध्यान देना बच्चों ये ऑप्शन तो सही लिखा है जब ये आया इससे टकराया अगर वॉल नहीं होता कोई क्वालिजन नहीं होता फिर भी ये अपने पॉजिटिव एक्सट्रीम पर जा करके जब वापिस आता अगेन द वेलोसिटी एट द एक्सट्रीम पोजिशन विल बी यू नॉट तो मेन पोजिशन पर सॉरी वेलोसिटी एट द मेन पोजिशन विल बी यू नॉट तो एक्सट्रीम पोजिशन पर गया वहाँ वेलोसिटी जीरो वापिस आया मेन पोजिशन पर वेलोसिटी यू नॉट। अब अगर पहले ही एक वॉल है उससे कॉलिजन हुआ कोलिजन के बाद सेम स्पीड से लौट रहा है तो क्या फ़र्क पड़ता है सिर्फ टाइम कम हो जाएगा मान ले यहाँ मेन पोजिशन है यहाँ प्लस ए है इस जगह इधर के इसकी वेलोसिटी होनी चाहिए थी पॉइंट फाइव नॉट और इतना दूर गया नहीं वापस यहां से लौट गया फिर से उसी स्पीड से मेन पोजीशन पर क्योंकि एनर्जी का कोई लॉस नहीं हुआ तो मेन पोजीशन पर अभी भी वही स्पीड होगी जो पहले थी यानी कि यू नॉट तो एक तो ऑप्शन नंबर वन करेक्ट हो गया ये क्लियर है अब बाकी ऑप्शंस को चेक करते हैं इसमें लिखा है द टाइम एट विच द पार्टिकल पासिस थ्रू इक्विलिब्रियम पोजिशन फॉर द फर्स्ट टाइम टकराने के बाद वापस आया कितने टाइम के बाद मेन पोजीशन पर आएगा वो फाइंड करना है फिर सेकेंड क्या लिखा है देखो थर्ड ऑप्शन में द टाइम एट विच द मैक्सिमम कॉम्प्रेशन ऑफ द स्प्रिंग ऑकर्स मैक्सिमम कॉम्प्रेशन इधर तो नहीं होगा ना उसके बाद टकराया वापस मेन पोजीशन पर आया फिर अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा ध्यान देना बच्चों कहा मैं यहाँ पे ड्रॉ करके बताता हूं ये पॉइंट ओ है ये माइनस ए है यहां कहीं प्लस ए है लेकिन उससे पहले एक वॉल है तो पार्टिकल यहाँ से इस पर टकराएगा कॉलिजन होगी उसके बाद पार्टिकल इस तरफ आया और जब यहाँ नेगेटिव एक्सट्रीम पर आएगा तब जा करके इसमें कॉम्प्रेशन मैक्सिमम होगा ये क्लियर हुआ यानी अगर हमें टाइम फाइंड करना है तो ये टाइम फिर ये टाइम फिर ये टाइम टोटल ऐड करेंगे मिल जाएगा तो पहले फर्स्ट टाइम के लिए सेकेंड ऑप्शन हमें क्या फाइंड करना है पार्टिकल मीन पोजीशन से इक्लिबियम पोजीशन से पहली बार यानी यहां से जाने और आने में जो टाइम लगा वो चेक करना है फिर यहां से यहां तक गया वापस इस जगह आया उसका टाइम फाइंड करना है फोर्थ ऑप्शन में लिखा है टाइम एट विच थ्रू पासिसम पोजिशन फॉर द सेकेंड टाइम देखो सेकेंड टाइम का मतलब यहां से इस तरफ गया वापस इधर आया फिर यहां से यहां अब सेकेंड टाइम पे आएगा ना इक्लिडियम पोजीशन पर उसका टाइम हमें फाइंड करना है तो तीन अलग अलग ऑप्शन है इनको चेक करेंगे पहला ऑप्शन करेक्ट है ये क्लियर हो गया बाकी तीन ऑप्शन को चेक करते बच्चों देखो ध्यान देना क्वेश्चन में क्या लिखा है कि टी इक्वल टू जीरो पार्टिकल वॉज एट इट्स इक्डियम पोजिशन यहां पर था और यहां से ये इस तरफ मूव कर रहा है तो अगर हम लोग इक्वेशन लिख दे इक्वेशन ऑफ एस एच एम क्या हो जाएगा मान लें एम्पलीट्यूड ए है ए साइन ओमेगा टी ठीक है अगर मेन पोजिशन से चल रहा है तो साइन में लिखते हैं अगर एक्सट्रीम पोजिशन पर होता है टी इक्वल्स टू जीरो तो कॉस्ट में आ जाता है इक्वेशन कहीं और है तो फेज कॉन्स्टेंट लिखते हैं उसके अकॉर्डिंग ठीक है तो अभी मेन पोजीशन से चल रहा था हम लोगों ने लिख दिया अब इसको डिफ्रेंशिएट करके वेलोसिटी की बात करते हैं क्या हो जाएगा ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी यहां पर ये नॉट क्या है ए ओमेगा है और इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर वेलोसिटी क्या थी नॉट बाई टू यानी कि आप इसको ए ओमेगा बाई टू लिख दो टी तो ओमेगा कैंसल हो जाएगा हाफ होता है कॉस सिक्सटी डिग्री की वैल्यू सिक्सटी डिग्री का मतलब कॉस पाई बाई थ्री यानी या आप लिख सकते हो, ओमेगा टी इज इक्वल्स टू पाई बाई थ्री ओमेगा को हम लोग टू पाई बाई टी लिख देते तो ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा टाइम मिल गया टी बाई सिक्स ध्यान देना अब हम लोग कंडीशन की बात करते हैं यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम लगा t बाई सिक्स तो वापस मेन पोजीशन तक आने में कितना टाइम लगेगा 2t टी यानी कि t बाई थ्री और t बाई थ्री को हम लोग लिख सकते हैं 2π पाई बाई थ्री स्क्वायर रूट ऑफ एम बाई के सेकेंड ऑप्शन में हमें यही फाइंड करना था कि मेन पोजीशन पर फर्स्ट टाइम कब आती है उसके बाद जो थर्ड ऑप्शन है उसमें क्या लिखा है कि मैक्सिमम कॉम्प्रेशन तक जाने में कितना टाइम लगता है तो ध्यान देना इतना टाइम लग गया टी वन उसके बाद फिर मैक्सिमम कॉम्प्रेशन में टी बाई फोर टाइम लगेगा एस एच एम में एक्सट्रीम से मेन पोजिशन या मेन पोजिशन से एक्सट्रीम पोजिशन तक जाने में टी बाई फोर टाइम लगता है तो टी बाई फोर टाइम और प्लस कर दें ये सेकेंड ऑप्शन के लिए आंसर होना चाहिए थर्ड ऑप्शन के लिए हम लोग इसको टी टू से डिनोट कर देते हैं और टी टू इक्वल होगा T1 वन प्लस टी बाई फोर टी वन की वैल्यू है टी बाई थ्री तो T बाई थ्री प्लस टी बाई फोर ये सेवन टी बाई ट्वेल्व लिख सकते हैं सेवन बाई ट्वेल्व इंटू टू पाई चलो अभी ट्वेल्व लिख दे इंटू टू पाई स्क्वायर रूट ऑफ एम बाई के तो ये टू से सिक्स टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा आंसर सेवन पाई बाय सिक्स स्क्वायर रूट ऑफ एम बाय के लिखेंगे ये थर्ड ऑप्शन होना चाहिए अगर ऐसा लिखा है तो करेक्ट है अदरवाइज इनकरेक्ट है नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फोर्थ ऑप्शन की फोर्थ ऑप्शन में क्या लिखा है कि सेकेंड टाइम वो मेन पोजिशन पर आ रहा है तो सेकेंड टाइम मेन पोजिशन पर आने का टाइम हम लोग क्या लिख सकते हैं यहां से यहां तक आया टी बाई थ्री टाइम में उसके बाद यहाँ जाएगा ये जो इसकी एक्सट्रीम पोजिशन होगी वहां तक गया टी बाई फोर फिर वापस आया टी बाई फोर यानी टी बाई टू तो हम लोग टाइम लिख दें टी थ्री इक्वल्स टू टी वन प्लस टी बाई टू ये समझ में आ गया ठीक है ना यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम था पहले गया आया टी बाई थ्री हो गया उसके बाद यहाँ से टी बाई फोर फिर वापस टी बाई फोर तो टी बाई टू लिख दिया अब सॉल्व करो जरा t बाई थ्री है ये t बाई टू है तो कितना हो जाएगा फाइव टी बाई सिक्स फाइव टी बाई सिक्स और इंटू टू पाई करेंगे तो फाइव बाई थ्री आ जाएगा यानी कि फाइव पाई बाई थ्री स्क्वायर रूट ऑफ एम बाई के टी के वैल्यू बसपुट किया है टू पाई टू पाई स्क्वायर रूट ऑफ एम बाई के तो एक टू कैंसिल हो गया फाइव पाई बाई थ्री ऐसा आ गया अब देखो हम लोग को चेक करना है पहला ऑप्शन करेक्ट है सेकेंड में अगर ऐसा लिखा है तो करेक्ट है टू पाई बाई थ्री और थर्ड के लिए सेवन पाई बाई सिक्स ठीक है फोर्थ के लिए फाइव पाई बाई थ्री अब चेक करते हैं देखो ध्यान देना पहले में लिखा है पाई स्क्वायर रूट ऑफ एम बाई सिक्स जबकि हमारा आंसर क्या आ रहा था टू पाई बाई थ्री रूट एम बाई के मैं इसको मिटा देता हूं एक बार देख लो टू पाई बाई थ्री है फिर सेवन पाई बाई सिक्स है और फाइव पाई बाई थ्री है पहला ऑप्शन तो करेक्ट था यहां पर पाई लिखा है इनकरेक्ट है फिर यहां पर फोर पाई बाई थ्री है ठीक है ये भी इनकरेक्ट हो गया और यहां पर फाइव पाई बाई थ्री यही रिजल्ट आ रहा था यानी कि फर्स्ट और फोर्थ करेक्ट है सेकेंड और थर्ड इनकरेक्ट है ठीक है बच्चों अब हम लोग आगे बढ़ेंगे ये क्वेश्चन नंबर थ्री हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर फोर्थ में देखो ये फिगर गिवन है और इसमें क्वेश्चन क्या है अ ग्लास कैपिलरी ट्यूब इज ऑफ द शेप ऑफ ट्रंकेटेड कोन विद एन एपेक्स एंगल एल्फा यानी इस तरीके से है और अगर आप इसको आगे मिला दोगे तो ये एंगल एल्फा गिवन है ठीक है ये समझ में आया एपेक्स एंगल एल्फा सो दैट इट्स टू एंड हैव क्रॉस सेक्शन ऑफ डिफरेंट रेडिया यानी यहां का क्रॉस सेक्शनल एरिया अलग यहां का क्रॉस सेक्शनल एरिया अलग है वेन डिप्ड इन वॉटर वर्टिकली वॉटर राइजेस इन इट टू अट एच अब वाटर एच हाइट तक इसमें राइज कर गया वेन द एंगल सॉरी वेयर द रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन इज बी इस पर्टिकुलर हाइट पर यहां पर रेडियस बी गिवन है इफ द सर्फेस टेंशन इज एस डेंसिटी इज रो एंड कॉन्टेक्ट एंगल विद ग्लास इज थीटा द वैल्यू ऑफ एच विल बी जी इज एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी ध्यान देना बच्चों अब इसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है एक तो डेंसिटी गिवन है सरफेस टेंशन कॉन्स्टेंट गिवन है एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट है यहाँ का रेडियस गिवन है ठीक है और ये जो एंगल है वर्टेक्स एंगल वो भी दिया हुआ है एपेक्स एंगल एल्फा ये जो फिगर है आप इस फिगर से देख के इतना तो आइडिया लगा सकते हो कि एल्फा की वैल्यू बहुत ज्यादा नहीं है यानी कि अगर इस तरह का शेप है तो हम लोग इसके वॉल्यूम जो लिक्विड इसमें राइज किया है ये एच हाइट तक इतने से वॉल्यूम को फाइंड करने के लिए ट्रंकेटेड कोन का वॉल्यूम लेने के बजाय अगर सिर्फ एक सिलिंड्रिकल रीज़न का वॉल्यूम ले लें तो अप्रोक्सीमेटली हम लोग आंसर कर सकते हैं ये समझ में आ रहा है बहुत ज़्यादा ये एंगल नहीं है अल्फा की वैल्यू बहुत ज़्यादा नहीं है इसका मतलब ये हुआ डिफरेंस होगा ऑब्वियसली एक्यूरेट हमें नहीं फाइंड करना रफली बताना है इसमें ठीक है बच्चों तो हम लोग ये वाला जो ट्रंकेटेड कोन था उसको एक सिलेंड्रिकल जैसा मान सकते हैं सिर्फ वॉल्यूम फाइंड करने के लिए लेकिन जब सरफेस टेंशन कांस्टेंट की बात करेंगे ये एंगल को कंसिडर करते हैं ऑप्शन में देखो थीटा एल्फा सब दिया है तो हमें एल्फा को कंसिडर करना है तो अब सॉल्व करते हैं ध्यान देना बच्चों ऐसे एक पार्ट है इतना ज्यादा नहीं है हालांकि मैंने समझाने के लिए ड्रॉ किया है मान ले कि यहां तक लिक्विड है इस पॉइंट पर ऐसे वर्टिकली एक लाइन ड्रॉ कर दें देखो अगर ये पूरा एंगल अल्फा था तो इसका हाफ एंगल अल्फा बाई टू होगा यानी ये एंगल अल्फा बाई टू हो जाएगा और ये एक सर्कुलर रीजन हम लोग ऐसे मान लें इस तरीके से इस पर जो सरफेस टेंशन कांस्टेंट होगा सरफेस टेंशन कांस्टेंट के कारण सरफेस टेंशन फोर्स होगा वो फोर्स कितने एंगल पर होगा एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट अगर थीटा है तो वर्टिकल से थीटा प्लस अल्फा बाई टू एंगल पर होगा इधर भी इधर भी हर तरफ समझ पा रहे हो आप लोग ठीक है फिर देखो डायरेक्शन में जो फोर्स एग्जर्ट होगा मैं लिखता इस जगह तो नेट फोर्स को हम लोग लिख सकते हैं सरफेस टेंशन इनटू लेंथ और फिर उसका वर्टिकल कंपोनेंट लेना है तो देखो इस तरफ है इसका वर्टिकल कंपोनेंट अगर आपको लेना हो तो कॉस थीटा प्लस एल्फा बाई टू लिखना होगा टू एस लिखा है सरफेस टेंशन कांस्टेंट एस लिख दे टू पाई आर लिखते हैं टू पाई और रेडियस बी है टू पाई बी ये पूरा का पूरा सरकमफ्रेंस हो गया उसके बाद एस सरफेस टेंशन कांस्टेंट है ये फोर्स हो गया और इसका वर्टिकल कॉम्पोनेंट लेंगे कॉस थीटा प्लस एल्फा बाई टू हो जाएगा ठीक है बच्चों अब देखो जो भी ऑप्शन है उसमें एक ही ऑप्शन है हम लोग आगे कैलकुलेशन किए बिना भी बल, बोल सकते हैं कि फोर्थ आंसर करेक्ट होगा लेकिन अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं ये तो चलो यहां तक समझ में आया अब इसको मिटा दें ये ऊपर की तरफ सरफेस टेंशन फोर्स लग रहा है और नीचे की तरफ इसका वेट लगेगा हालांकि प्रेशर का डिफरेंस भी है और वो प्रेशर का डिफरेंस एक दूसरे को बैलेंस कर देगा यहां से जो प्रेशर है यहां से जो प्रेशर है वो एक दूसरे को बैलेंस कर रहा है तो इसलिए उसको लिखने की जरूरत नहीं सिर्फ हम लोग वेट लिखेंगे और वेट कितना हो जाएगा ध्यान देना वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी यानी एम जी लिख रहे हैं डेंसिटी रो है ठीक है इंटू जी और वॉल्यूम को पाई आर स्क्वायर एच लिख दे रहे हैं ये आप समझ पा रहे हो ट्रंकेटेड कोन का अगर आप वॉल्यूम लिखोगे तो उसमें बी आएगा फिर एपेक्स एंगल से हमें और भी टर्म्स पहले फाइंड करना पड़ेगा यहाँ का रेडियस मान ले ए है उसको भी लिखना पड़ेगा लेकिन हम लोग ये मान कर चल रहे हैं कि ये जो अल्फा एंगल है वो बहुत ज्यादा नहीं है तो इसलिए ऑलमोस्ट रेडियस सेम होगा स्लाइड वेरिएशन होगा तो हम लोग वॉल्यूम में भी पाई आर स्क्वायर एच इंटू ये वॉल्यूम आ गया इंटू डेंसिटी इंटू जी ये वेट आ गया डाउनवर्ड डायरेक्शन में देखो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा एक बी कैंसिल हो जाएगा समझ में आ गया फाइंड क्या करना है एच तो ये टर्म को नीचे लिख देना टू एस देखो टू एस आया कॉस थीटा प्लस एल्फा मैं यहां लिखता हूं एच इज इक्वल्स टू टू एस कॉस थीटा प्लस एल्फा बाई टू और उसके बाद डिवाइड में बी रो जी बी रो जी लिखा है अब क्लियर हो गया कि ऑप्शन नंबर फोर होगा कोई दिक्कत तो नहीं है आगे बढ़ते हैं हम लोग ये क्वेश्चन नंबर फोर था नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव देखो एक पैराग्राफ दिया और इससे रिलेटेड है क्वेश्चन पैराग्राफ में क्या लिखा है एक स्प्रे गन है गोन इन द दिगर वेर दिस्टन एयर आउट ऑफ अ नोजल ये पिस्टन है यहां से और ये एयर को बाहर की तरफ पोस्ट कर रहा है द थिन ट्यूब ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन इज कनेक्टेड टू द नोजल यहां पर देखो एक थिन ट्यूब है ये कनेक्टेड है और ये ट्यूब लिक्विड के अंदर है समझ पा रहे हो द अदर एंड ऑफ द ट्यूब इज इन स्मॉल लिक्विड कंटेनर देखो ये लिक्विड कंटेनर है ट्यूब का एक एंड इस कंटेनर में है एज द पिस्टन पोसेज एयर थ्रू द नोजल द लिक्विड फ्रॉम द कंटेनर राइजेस इन टू द नोजल एंड इट स्प्रेड आउट स्प्रे गन कभी कभी आपने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में ऐसा बहुत सारा यूज होता है बच्चों अगर कोई फर्टिलाइजर्स है या कुछ भी ऐसे पेस्टिसाइड्स स्प्रे करने के लिए भी सिंपल इसका यूज करते हैं घरों में भी आपने कभी देखा होगा कुछ ऐसे डिवाइसेस होते हैं ठीक है तो इन सब को हम लोग बेसिक जो कॉन्सेप्ट है या फिजिक्स के बेस लैंग्वेज में कहें तो बहुत सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट है बर्ड इक्वेशन पे वर्क कर रहा है जब यहाँ से आप पस करोगे यहां पर का क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा है यहाँ सेक्शनल एरिया कम है जाहिर सी बात है स्पीड ज्यादा हो जाएगी और प्रेशर कम हो जाएगा लिक्विड यहाँ पर से हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ऊपर जाएगा और लिक्विड और एयर ये एटोमाइज फॉर्म में स्प्रे होते हैं जो बेसिक कॉन्सेप्ट है अब उसी पर बेस्ड है है ये क्वेश्चन इसमें क्या लिखा है? कि देखो यहां से एयर को पुश कर रहे हैं यहां पर क्रॉस सेक्शनल एरिया एक ट्यूब ये लिक्विड के अंदर है क्या क्या दिया हुआ है वो देख लो द रेडिया ऑफ द पिस्टन एंड द नोजल आर यहां पर इसकी रेडियस ट्वेंटी एम एम गेवन है और इस पॉइंट पर रेडियस वन मिलीमीटर है अपर एंड ऑफ द कंटेनर इज ओपन यहां पर ये यह ओपन है यानी प्रेशर क्या होगा प्रेशर के बराबर होगा इतना गिवन है अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव की देखो इसमें लिखा है इफ द पिस्टन इज एट अ स्पीड ऑफ सेकेंड यहाँ पर स्पीड गिवन है द एयर कम्स आउट ऑफ द नोजल विद अ स्पीड यहां पर क्या स्पीड होगी तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी यूज कर लेंगे रेडियस गिवन है बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों ध्यान देना क्या लिखेंगे ए टू वी टू इज इक्वल्स टू ए वन वी वन यहां लिख देते हैं ए टू वी टू इक्वल्स टू ए वन वी वन तो अब अगर हम लोगों वी टू फाइंड करना हो वी टू को क्या लिख सकते हैं ए वन बाय ए टू इन टू वी वन इसी को आगे कंटिन्यू करें ए वन बाई ए टू एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वेयर पाई तो कैंसिल हो जाएगा आर वन बाई आर टू स्क्वेर और वी वन इस पॉइंट पर हम लोग वी वन मान रहे हैं इस पॉइंट के वेलोसिटी वी टू फाइंड करनी है ठीक है यहां तक समझ में आया अब तो बस वैल्यूज को पुट करना है और आंसर आ जाएगा देखो आर वन ट्वेंटी सेंटीमीटर है ट्वेंटी मिलीमीटर mm, और ये वन मिलीमीटर यूनिट चेंज करने की जरूरत तो नहीं है रेशियो है डायरेक्ट ट्वेंटी लिख दे और v1 इस पॉइंट पर वेलोसिटी क्वेश्चन में गिवन है देखो 5 मिलीमीटर पर सेकंड 5 मिलीमीटर mm का मतलब 5 बाय था ठीक है 20 का स्क्वायर कितना होगा 400 तो इसको आप लिख दो 400 हंड्रेड इंटू फाइव बाई ये दो जीरो कैंसिल हो गया 5 इंटू फोर ट्वेंटी हो जाएगा और 20 बाई टेन टू होता है यानी कि इसको सॉल्व करने के बाद ये टू मीटर पर सेकेंड आएगा देखो सारे ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर थ्री इसका करेक्ट हो जाएगा ठीक है बच्चों अब आगे बढ़ते हैं ये क्वेश्चन नंबर फाइव था ना नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सिक्स ध्यान देना सेम पैराग्राफ क्वेश्चन नंबर सिक्स में क्या लिखा है इफ द डेंसिटी ऑफ एयर इज रो ए यहां पर जो डेंसिटी है वो रो ए है एंड दैट ऑफ द लिक्विड इज रो एल देन फॉर अ गिवन पिस्टन स्पीड रेट वॉल्यूम पर यूनिट टाइम जितना वॉल्यूम एमिट हो रहा है यहां से ठीक है एट विच द लिक्विड इज स्प्रेड विल बी प्रोपोर्शनल टू यानी हमें यह फाइंड करना है कि लिक्विड किस रेट से स्प्रे हो रही है ठीक है अगर हम लोग लिक्विड के स्पीड की यहां पर लिक्विड मान लो वी एल स्पीड से मूव कर रही है तो लिक्विड का स्पीड अगर मिल गया तो हमारा काम हो जाएगा सिंपल है प्रोपोर्शनलिटी तो बताना है किसके प्रोपोर्शनल है एग्जैक्ट सॉल्व करने की जरूरत नहीं हम लोग चलो इसको सॉल्व करते हैं ध्यान देना बच्चों इस पॉइंट पर प्रेशर क्या है पी नॉट यहां पर इस लिक्विड के अंदर जो प्रेशर होगा इसको मैं फिर से ड्रॉ करके आपको समझाता हूं यहां शायद आपको समझ में ना आए देखो यहाँ से लिक्विड ऊपर जा रहा है है ना? इस पॉइंट को हम लोग ए मान लेते हैं यहां पर एक पॉइंट सी मान लेते हैं यहां पर एक पॉइंट बी मान लो ऐसा कुछ मान लेते हैं यहां से ये लिक्विड स्प्रे हो रहा है इस पॉइंट का प्रेशर पी नॉट इस पॉइंट का प्रेशर भी पी नॉट दोनों एटमोसफेयर में ठीक है अब देखो सी पॉइंट पर लिक्विड ऊपर की तरफ इसकी वेलोसिटी हम लोग वी एल मान लेते हैं ठीक है और एयर की वेलोसिटी क्या होगी वी ए ऐसा नाम दे दो पहले यहां पर अगर हम लोग प्रेशर की बात करें प्रेशर एट C प्लस हाफ रो एल वी एल स्क्वेर ये इस पॉइंट के प्रेशर के इक्वल होगा इसकी स्पीड ऑलमोस्ट जीरो मान लेते हैं क्योंकि जो ट्यूब का डायमीटर है वो इस जो कंटेनर है उसके डायमीटर के मुकाबले बहुत कम है नेग्लेजिबल तो यहां से आप सी पॉइंट का प्रेशर लिख सकते हो ये समझ में आ गया सी पॉइंट का प्रेशर मिल गया अब ए पॉइंट के प्रेशर की बात करते हैं प्रेशर एट ए प्लस हाफ रो ए वी ए स्क्वायर पी नॉट इससे बाहर ठीक है तो फिर ए पॉइंट का भी प्रेशर आप लिख सकते हो पी नॉट माइनस हाफ रो वी ए स्क्वेर यहां का प्रेशर, यहां का प्रेशर, दोनों प्रेशर का डिफरेंस एच के इक्वल लिख सकते हैं बच्चों। यानी कि आप ऐसे लिख सकते हो पी ए तो देखो बच्चों, इस पॉइंट और इस पॉइंट के प्रेशर का डिफरेंस हम लोग लिख सकते हैं जी एच तो पी ना पी ए माइनस रो जी एच इज इक्वल्स टू एट पॉइंट सी अब ए पॉइंट का प्रेशर यहाँ से लिख देते हैं सी पॉइंट का प्रेशर यहाँ से क्या रिजल्ट आएगा पी नाट माइनस हाफ रो ए वी ए स्क्वेर माइनस रो एल जी एच इज इक्वल्स टू पी नाट माइनस हाफ रो एल वी एल स्क्र पी नॉट कैंसल होगा ठीक है अब हम लोगों को VL फाइंड करना है एक काम करो सब पहले माइनस साइन है सबको प्लस कर दे और फिर टू से मल्टीप्लाई कर दो तो रो ए वी ए स्क्वेयर प्लस टू रो एल जी एच इक्वल्स टू रो एल वी एल स्क्वेयर सबको माइनस से मल्टीप्लाई किया फिर सबको टू से मल्टीप्लाई किया अब सब में डिवाइड कर दो रो एल तो क्या आएगा रो ए बाई रो एल वी ए स्क्वेर प्लस टू जी एच इज इक्वल्स टू वी एल स्क्वेयर यहाँ तक क्लियर है अब टू जी एच की बात करें तो एच तो बहुत कम है इसलिए हम लोग इस टर्म को नेग्लेक्ट कर सकते हैं अगर इस टर्म को नेगलेक्ट कर दिया इसको नेगलेक्ट कर दो तो फिर रिजल्ट क्या आ जाएगा देखो वी एल स्क्वेयर ये इसके इक्वल होगा यानी की वैल्यू आप स्क्वायर रूट ऑफ रो ए इंटू रो एल वी ए के इक्वल लिख सकते हो ठीक है ना अब किस रेट से लिक्विड स्प्रे होगा जाहिर सी बात है वो वॉल्यूम जो है स्पीड के प्रोपोर्शनल हो जाएगा हम लोग क्या लिख सकते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू वी ए वन वी वन जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के हिसाब से लिखते हैं तो एरिया फिक्स्ड है क्रॉस सेक्शनल एरिया जो वेलोसिटी है वो किसके प्रोपोर्शनल है स्क्वेयर रूट ऑफ रो ए बाय रो एल के प्रोपोर्शनल इसलिए लिक्विड स्प्रे होने के रेट जो है वो भी इसके प्रोपोर्शनल होगा अब ऑप्शन चेक कर लेते हैं छठा क्वेश्चन देखो तो फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है क्या स्क्वायर रूट ऑफ रो ए बाय रो एल तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहां पर उल्टा लिखा है इसलिए थर्ड इनकरेक्ट है और कोई ऑप्शन दूर दूर तक मैच नहीं कर रहा ठीक है तो ये था क्वेश्चन नंबर सिक्स अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन देखो इसमें क्या लिखा है अ अ पर्सन इन लिफ्ट इज होल्डिंग अ वॉटर जार विच हैज अ स्मॉल होल एट द लोअर एंड ऑफ इट साइड वेन द लिफ्ट इज एट रेस्ट द वॉटर जेट कमिंग आउट ऑफ द होल हिट द फ्लोर एट द फ्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ डी विच इज वन पॉइंट टू मीटर ठीक है फ्रॉम द पर्सन यानी कि आप ऐसा समझ लो कि ये एक जार है यहां पर ऐसे इस तरीके से लिक्विड गिर रहा है ये तो लिखा है पर्सन इन लेफ्ट इज होल्डिंग ऑफ वाटर जार विच हैज स्मॉल होल एट द लोअर एंड ऑफ याइड और ये इस तरह से गिर रहा है कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें यहां पर लिक्विड है इसमें फील्ड है ये डिस्टेंस यहां पर डी गिवन है 1.2 मीटर उसके बाद नेक्स्ट लिखा है इन द फॉलोइंग स्टेट ऑफ द लिफ्ट मोशन इज गिवन इन लिस्ट वन एंड द डिस्टेंस वेयर द दॉटर जेट हिट्स द फ्लोर ऑफ द लिफ्ट इज गिवन इन लिस्ट टू मैच द स्टेटमेंट फ्रॉम लिस्ट वन टू लिस्ट टू एंड सेलेक्ट करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो द लिस्ट अब ये लिस्ट है उसके नीचे कोड दिया है इससे हमें आंसर बताना है ध्यान देना पहला ऑप्शन में क्या लिखा है पहले पी में लेफ्ट इज एक्सेलरेटिंग वर्टिकली अप दूसरे में लिखा है एक्सेलरेटिंग वर्टिकली डाउन ठीक है और एक्सेलरेशन जो है वो जी से कम है तीसरे में लिखा है कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है पहले हम लोग इस तीनों की बात करते हैं फोर्थ में क्या लिखा है लेफ्ट इज फॉलिंग फ्रीली फॉलिंग फ्रीली का अलग केस है इस कंडीशन में तो लिक्विड बाहर आएगा ही नहीं ठीक है तो यहां पर इसका तो आंसर क्या हो जाएगा फोर बाकी के लिए हमें चेक करना है कि जो डिस्टेंस है वो डी से कम होगा या ज्यादा अब इसके लिए हम लोग चेक करते हैं देखो यहां से लिक्विड आएगा इसको हम लोग स्मॉल एच मान लेते हैं इस हाइट को x से डिनोट कर देते हैं ठीक है तो यहां पर जो स्पीड होगी इस स्पीड को स्क्वायर रूट ऑफ टू जी एच लिखा जा सकता है लिक्विड जिस स्पीड से स्पीड ऑफ ए फ्लक्स की बात कर रहे हैं और यहां से नीचे जाने में जो टाइम होगा उस टाइम को हम लोग स्क्वायर रूट ऑफ टू एक्स बाई जी लिख सकते हैं ठीक है ना प्रोजेक्टाइल मोशन जैसा तो टी मिल गया ये वी मिल गया आपको क्या चाहिए डी d की वैल्यू मैं यही लिख देता हूँ d इज इक्वल्स टू वी टी यानी स्क्वायर रूट ऑफ टू जी एच इन स्क्वायर रूट ऑफ टू एक्स बाई जी देखो तो g कैंसिल हो जाएगा टू को अगर आप बाहर ले लेते हो तो ये रिजल्ट आएगा टू स्क्वायर रूट ऑफ एच एक्स क्या ये टर्म g पे डिपेंड कर रहा है जब ये g पर डिपेंड नहीं कर रहा तो क्या फ़र्क पड़ता है लिफ्ट अपवर्ड एक्सल हो रहा है या डाउनवर्ड वर्ड हो रहा है स्पीड हो हर कंडीशन में डी की वैल्यू सेम होगी और वो 1.2 मीटर के इक्वल होगी लेकिन फोर्थ केस केस स्पेशल है जब ये फ्री फॉलिंग कंडीशन में हो तो उस कंडीशन में यहां पर लिक्विड बाहर आएगा ही नहीं इसकी स्पीड जीरो हो जाएगी ठीक है ना तो जब लिक्विड बाहर नहीं आया तो गिरेगा ही नहीं फिर उसका कोई मतलब ही नहीं है तो फोर्थ ऑप्शन के लिए अब देखो हम लोग सारे ऑप्शंस को चेक कर ले फर्स्ट के लिए वन ये क्यू के लिए भी वन इसके लिए भी वन और इसके लिए फोर अब चेक कर लो ये गलत हो गया यहां भी गलत है वन 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 फोर ये सही है और तो कोई सही नहीं है ठीक है तो क्वेश्चन नंबर सेवन का करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा थर्ड ऑप्शन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर एट देखो एट क्वेश्चन में क्या लिखा है ध्यान से समझना बच्चों इसमें लिखा है टू इंडिपेंडेंट हार्मोनिक ऑसिलेटर्स ऑफ इक्वल इक्वल मास आर ऑसिलेटिंग अबाउट द ओरिजिन विद एंगुलर फ्रीक्वेंसीज ओमेगा वन एंड ओमेगा टू हैव टोटल एनर्जीज ई वन एंड ई टू ठीक है इसके लिए एनर्जी ई वन इसके लिए एनर्जी ई टू क्या दिया है मोमेंटम द वेरिएशन ऑफ देयर मोमेंटा p विद पोजीशन x सोन इन द फिगर ठीक है अब एक रेशियो दिया है ए बाई बी एन स्क्वायर के इक्वल ए बाई आर एन के इक्वल चार ऑप्शंस में से करेक्ट ऑप्शंस को सिलेक्ट करना है ठीक है देखो ध्यान देना सबसे पहले तो हम लोग बात करते हैं यहां पर ये मैक्सिमम मोमेंटम कितना है बी और इसका एम्पलीट्यूड है ए यहां पर मैक्सिमम मोमेंटम भी यार एम्पलीट्यूड भी यार ठीक है तो पहले अगर रिलेशन दिया है इस रिलेशन की जरूरत पड़ेगी हम लोग यूज करेंगे हम लोग क्या करते हैं इस पॉइंट के मोमेंटम की बात करते हैं बी बी क्या होगा एम इंटू मैक्सिमम वेलोसिटी मैक्सिमम वेलोसिटी को ओमेगा लिखते हैं ए के बदले एम्पलीट्यूड है ए और ओमेगा वन दूसरा इसके लिए अगर लिखना हो तो मोमेंटम की मैक्सिमम वैल्यू यह भी तो आर ही है सेम है एम्पलीट्यूड आर और ये ओमेगा टू यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है दो इक्वेशन आए डिवाइड कर देते हैं डिवाइड करने पर हमें क्या मिलेगा देखो बी बाई आर इज इक्वल्स टू ए बाई आर इंटू ओमेगा वन बाई ओमेगा टू एम तो कैंसिल हो जाएगा आर आर भी कट जाएगा ठीक है आर से आर को भी हम लोग कैंसल अगर कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा b बाई ए ये ओमेगा वन ओमेगा टू के इक्वल आ जाएगा अब बी बाई किसके एक इक्वल होगा वन बाय स्क्वायर के वन बाई एन स्क्वायर के इक्वल होगा देखो यहां पर यानी कि ये वन बाय जाएगा या फिर आप ओमेगा टू बाई ओमेगा वन को एन स्क्वायर लिख सकते हो एक ऑप्शन मिल गया बाकी चेक करना है यानी ये देखो ओमेगा वन ओमेगा टू तो होगा नहीं अब ये दोनों फर्स्ट और फोर्थ इन दोनों को चेक करना है तो देखो एनर्जी की बात करें एनर्जी क्या होता है ई वन इज इक्वल टू पी स्क्वेयर अभी पहले ई e स्क्वेयर देखो ऐसे लिख दें एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वेयर बाई टू एम लिख सकते हैं अब अगर ई वन है तो पी वन लिखेंगे ई टू है तो पी टू लिखेंगे क्लियर उसके तो अकॉर्डिंग हम लोग लिख सकते हैं ई वन बाई टू इज इक्वल टू पी वन बाई पी टू का स्क्वेयर यानी बी बाई आर का स्क्वायर क्लियर है देखो ए बाई बी दिया है ए बाई आर दिया है तो बी बाई आर हम लोग फाइंड कर सकते हैं ना ये ए बाई आर है डिवाइड कर दो आप इसको भी मिटा देते हैं अब देखो ये टर्म है इसमें से इसको डिवाइड कर दें, तो वन बाई बी आएगा और आर ऊपर चला जाएगा आर बाई बी ये एन के इक्वल हो जाएगा यहां पर क्या है बी बाई आर है उल्टा कर देते हैं यानी कि वन बाय एन हो जाएगा वन बाय एन का स्क्वायर समझ में आया आर बाई बी था यहां बी बाई आर है रिवर्स कर दिया वन बाई एन स्क्वायर देखो ये ओमेगा वन बाई ओमेगा टू के इक्वल भी है यानी आप ई वन बाई टू को ओमेगा वन बाय ओमेगा टू लिख सकते हो ठीक है इसका मतलब ई वन ओमेगा टू ई टू ओमेगा वन के इक्वल होगा लेकिन यहां क्या लिखा है ई वन ओमेगा वन फर्स्ट इनकरेक्ट हो गया फोर्थ में आप ई वन बाई ओमेगा वन को ई टू बाई लिख सकते हो यानी कि फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा तो सेकेंड और फोर्थ करेक्ट है फर्स्ट थर्ड इनकरेक्ट करेक्ट अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर नाइन ध्यान से समझना बच्चों अब इस क्वेश्चन में क्या लिखा है अ पार्टिकल ऑफ यूनिट मास इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस अंडर द इन्फ्लुएंस अच्छा चलो यूनिट मास लिखा है ना तो मास को हम लोग वन मान लेंगे पार्टिकल ऑफ यूनिट मास इज मूविंग अलोंग द एक्स एक्सिस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ फोर्स एंड टोटल एनर्जी इज कंजर्व टोटल एनर्जी कंजर्व है कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है फोर पॉसिबल फॉर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल आर गिवन इन कॉलम वन ठीक है कॉलम वन में एनर्जीज गिवन है एल्फा यू नॉट ये सब कॉन्स्टेंट है बेस्ट द पोटेंशियल एनर्जी इन कॉलम वन टू द करस्पॉन्डिंग स्टेटमेंट इन कॉलम टू ठीक है वन और टू में देखो अलग अलग दिया भारी बारी से चेक करना होगा तो हम लोग पहले फर्स्ट को लेते हैं पहले फर्स्ट सॉल्व करेंगे फिर सेकेंड फिर थर्ड फिर फोर्थ थोड़ा लेंदी है क्वेश्चन ध्यान से समझना है देखो पहले ऑप्शन में क्या लिखा है फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज जीरो एट एक्स टू जीरो फिर यहां पर फोर्स जीरो एट एक्स इक्वल्स टू जीरो फोर्स जीरो एट एक्स इक्वल्स टू माइनस ए तो माइनस ए जीरो और प्लस ए इन तीनों पॉइंट पर फोर्स जीरो ये लिखा है उसके बाद एस में लिखा है पार्टिकल एक्सपीरियंस एंड अट्रैक्टिव फोर्स इफ टुवर्ड्स एक्स नॉट इन द रीजन मोड ऑफ एक्स लेस देन ए और टी में लिखा है पार्टिकल विथ टोटल एनर्जी यू नॉट बाई फोर कैन ऑसोलेट अबाउट द पॉइंट एक्स इक्वल्स टू माइनस ए ठीक है अब चार ऑप्शन को चेक करना है तो बारी बारी से हम लोग सेलेक्ट करेंगे पहले ये फर्स्ट ऑप्शन इसको लिख लेते हैं देखो क्या लिखा है यू इज इक्वल्स टू यू नॉट बाई टू इंटू वन माइनस एक्स बाई ए स्क्वायर होल अब इसको सॉल्व करेंगे ठीक है पोटेंशियल एनर्जी गिवन है और अगर फोर्स की बात करें फोर्स होता है माइनस डी यू बाई डी एक्स यहां पर यू नॉट बाई टू कॉन्स्टेंट है माइनस नॉट बाई टू अब ये स्क्वायर के टर्म में है डिफ्रेंशिएट करना है पहले स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा टू इंटू वन माइनस एक्स बाई ए का स्क्वायर फिर चेंडू लगा के डिफरेंशिएट करेंगे यहाँ ज़ीरो आएगा फिर माइनस वन बाई ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट हो जाएगा एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन टू एक्स ये समझ में आया देखो तो ये टू से ये टू कैंसिल होगा यहाँ नेगेटिव यहाँ नेगेटिव दोनों मल्टीप्लाई होकर प्लस में आ जाएगा टू यू नॉट बाई ए स्क्वायर और साथ में यहाँ एक्स इस जगह क्या आएगा वन माइनस एक्स स्क्वायेयर बाई ए स्क्वायर या आप इसको लिख सकते हो टू यू नॉट एल्शियम लेने के बाद यहां ए टू दावर फोर एक्स ए स्क्वा माइनस एक्स स्क्वायेर अब हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं और उसके अकॉर्डिंग आंसर करना आसान हो जाएगा पहले तो पोटेंशियल एनर्जी के ग्राफ की बात करें देखो कितने रूट्स आएंगे यहां पर पावर फोर है चार रूट आएगा एक तो प्लस ए दूसरा माइनस ए फिर प्लस ए माइनस ए यानी कि माइनस ए रिपीट हो रहा है और प्लस ए भी रिपीट हो रहा है इवन टाइम्स तो इसके दोनों तरफ साइन सेम होगा इसके भी दोनों तरफ साइन सेम होगा ठीक है अब ग्राफ ड्रॉ करें अगर आप एक्स की वैल्यू जीरो मान लो तो जीरो मानने पर यह टर्म जीरो हो जाएगा यह पॉजिटिव आ गया यानी पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव यहां पॉजिटिव है इसके दोनों तरफ सेम साइन होना चाहिए यहां भी पॉजिटिव यहां भी पॉजिटिव ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा ठीक है इसी तरीके से हम लोग फोर्स की बात करें फोर्स का ग्राफ आप ड्रॉ करते बच्चों ये जो ग्राफ ड्रॉ करें ना जब आप मैथमेटिक्स में ग्राफ का ग्राफ का एक अलग पार्ट होता है जब आप वो सीख लोगे उसके बाद बहुत आसान हो जाता है ठीक है तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं देखो चार अलग अलग पॉइंट है अगर हम लोग इसमें बात करते हैं तीन पॉइंट्स एक तो माइनस ए दूसरा ज़ीरो और तीसरा प्लस ए तीन पॉइंट है एक्स इक्व टू जीरो पर फोर जीरो होगा एक्स इक्व टू प्लस ए पर भी फोर जीरो होगा एक्स इक्व टू माइनस ए पर भी फोर जीरो होगा तीन पॉइंट्स आ गए ठीक है अब हम लोग साइन की बात करते हैं एक्स की वैल्यू अगर ज़ीरो रख दें जीरो नहीं जीरो पर तो ज़ीरो है एक्स की वैल्यू चलो ए से ज्यादा टू ए रख देते हैं तो जब आप टू ए रखोगे ये टर्म पॉजिटिव आएगा लेकिन ये टर्म नेगेटिव इधर नेगेटिव है इधर पॉजिटिव होगा फिर नेगेटिव पॉजिटिव ऐसा ग्राफ बन जाएगा ठीक है ऑल्टरनेट क्योंकि कोई भी रूट रिपीट नहीं हो रहा अब हम लोग ऑप्शंस की बात करेंगे पहले ऑप्शंस में लिखा था जो पी क्यू आर था उन तीनों में क्या लिखा था फोर से जीरो एट एक्स इक्व टू एनि पी करेक्ट है एट एक्स इक्वल्स टू ओ यानी क्यू भी करेक्ट है एट एक्स इक्वल्स टू माइनस ए तो पी क्यू आर ये तीनों करेक्ट हो गए एस में क्या लिखा था देखो एस में कुछ एस एच एम का लिखा है एक बार देख लेते हैं S में, क्या लिखा है बच्चों p q r तो करेक्ट हो गया एस में लिखा है पार्टिकल एक्सपीरियंस एंड अट्रैक्टिव फोर्स टू

Particle experiences attractive force towards X equals to zero, गलत लिखा है। अब हम लोग की बात करते हैं। के देखो पर अगर आप यहां पर उसकी टोटल एनर्जी नॉट बाई फोर हम लोग मान लें, तो ऐसे करके ये ऑसुलेट कर सकता है ये समझ में आ रहा है यानी कि पी Q, R और T ये चारों करेक्ट हो जाएंगे तो हम लोग A के लिए ऑप्शन A के लिए क्या लिख सकते हैं P, Q, R, T ये समझ में आ गया अब सेकेंड ऑप्शन चेक करते हैं देखो सेकेंड ऑप्शन में क्या लिखा है यू इक्वल्स टू यू नॉट बाई टू एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर ये तो ज्यादा सिंपल हो गया अब हम लोगों को इसमें फाइंड करना है कि किस पॉइंट पर यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी इसका ग्राफ कैसा बनेगा इस तरीके का पैराबोलिक कर्व बनेगा ये तो पोटेंशियल एनर्जी का हो गया एक्स के साथ अब अगर हम लोग फोर्स की बात करें फोर्स के लिए डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं ठीक है हालांकि आप सीधे कह दो कि जहां पर फोर्स ज़ीरो होगा जैसे इसमें लिखा है ना जहां फोर्स ज़ीरो होगा उस जगह डी यू बाई डी एक्स भी ज़ीरो होना चाहिए डी यू बाई डी एक्स सिर्फ एक्स इक्वल्स टू जीरो पर जीरो है तो हम लोग फोर्स का ग्राफ ड्रॉ किए बगैर कह सकते हैं कि आंसर क्यू होगा पी और आर नहीं होगा अब एस और टी में चेक करना है कि अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है या रिपल्सिव फोर्स ठीक है चलो अब डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं और फिर नेक्स्ट टोटल एनर्जी की बात है यहाँ पर पार्टिकल विल विद टोटल एनर्जी यू नॉट बाई फोर कैन ऑसोलेट अबाउट एक्स इक्व टू माइनस है यहाँ कई माइनस है इसके अबाउट थोड़ी ऑसोलेट करेगा मेन पोजिशन तो ये होना चाहिए इसके अबाउट ऑसोलेट करेगा एक्स इक्व टू जीरो के अबाउट ये गलत हो गया अब सिर्फ एस को चेक करना है एस में क्या लिखा है द पार्टिकल एक्सपीरियंसेस एंड अट्रैक्टिव फोर्स टुवर्ड्स एक्स इक्व टू जीरो इन द रीजन मॉड ऑफ एक्स लेस देन ए देखो अभी भी ग्राफ ड्रॉ किए बिना हम लोग सॉल्व करते हैं यहाँ से अगर आप इस तरफ डिस्प्लेस कर रहे हो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी वापिस आएगा यहाँ ले जाए वापिस आएगा यानी यह स्टेबल इक्लिडियम का कंडीशन है अगर आप पॉजिटिव डायरेक्शन में डिसप्लेस कर रहे हो फोर्स नेगेटिव डायरेक्शन में आना चाहिए अगर नेगेटिव डायरेक्शन में डिसप्लेस करें तो फोर्स पॉजिटिव डायरेक्शन में आना चाहिए तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक्स इक्वल्स टू जीरो के आसपास हम लोग लिख लें मोड ऑफ एक्स लेस देन ए है तो वहाँ पर जिस तरफ भी आप डिस्प्लेस करोगे हमेशा फोर्स ओरिजिन की तरफ आएगा ओरिजिन की तरफ एट्रेक्टिव फोर्स होगा यानी इसका एस भी करेक्ट हो जाएगा तो अब हम लोग बी का आंसर लिख सकते हैं फाइनली देखो बी के लिए क्या हो जाएगा क्यू और एस इसके लिए पी क्यू आर और टी हो गया अब ये दोनों रह गए इन दोनों को सॉल्व करते हैं ठीक है लेंथी क्वेश्चन है है बस ग्राफ ड्रॉ करना पड़ता है बच्चों अब देखो इसके थर्ड ऑप्शन की बात करते हैं बच्चों तो थर्ड ऑप्शन जो है वो लिख लें पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखा है यू नॉट बाई टू फिर एक्स स्क्वेर बाई ए स्क्वा उसके बाद e टू पावर माइनस एक्स बाई ए होल अब आगे बढ़ते हैं देखो ध्यान देना ऐसा कुछ है अब यहां पर अगर हम लोग फोर्स की बात करें फोर्स क्या हो जाएगा माइनस डी यू बाई डी एक्स देखो माइनस ये टर्म माइनस यू नॉट बाई टू ए स्क्वेयर ये तो कांस्टेंट है अलग कर दें पहले इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो टू एक्स ई टू दावर माइनस एक्स बाई होल स्क्वेयर फिर उसके बाद प्लस देंगे एक्स स्क्वायर आएगा यहाँ प्लस है अभी अभी के लिए मान लो प्लस है एक्स स्क्वायर फिर इसको जब आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो ई टू दी पावर एक्स का ऐसा ही रहता है उसके बाद जब चेन रूल लेंगे तो चेन रूल लेने पर देखो एक्स स्क्वायर में माइनस वन बाई एक्स स्क्वायेर है तुम तो प्लस और माइनस माइनस आ जाएगा डिवाइड में ए स्क्वायर आएगा और एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन टू एक्स आएगा ये समझ में आया यहाँ प्लस से माइनस क्यों आया ये चलो यहां प्लस यहां माइनस लिख दो अब समझ में आ रहा है ये टू ये टू कॉमन लेंगे इस टू से कट जाएगा इसमें से माइनस कॉमन ले लो तो माइनस माइनस प्लस हो गया यू नॉट फिर देखो ई टू पावर ये भी कॉमन आएगा ई टू पावर माइनस एक्स बाई ए का स्क्वायर और ए स्क्वायर है अब ले लेते हैं तो यहां पर एक और ए स्क्वायर आ जाएगा ये टर्म नेगेटिव था माइनस कॉमन लिया है तो ये पॉजिटिव में आएगा एक्स स्क्टू एक्स एक्स क्यूब और यहां पर x था एल्सियम लेकर के ए आएगा और माइनस साइन आएगा ये समझ में आया आप स्टेप बाय स्टेप लिख करके देखना बच्चों ये बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है कॉम्प्लिकेटेड नहीं है सिंपल है ठीक है अब देखो इसको आप यू नॉट बाय ए टू पावर फोर ई टू दावर एक्स बायर और इसमें से जब एक्स कॉमन लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आएगा यानी एक्स प्लस ए a. फोर्स e. मिल गया एनर्जी मिल गई ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं. अगर हम लोग फोर्स के लिए बात करें देखो ऐसा कुछ होगा यहां पर फोर्स और एक्स तीन पॉइंट्स होंगे एक्स इक्वल टू जीरो माइनस ए और प्लस ए यहां पर माइनस ए यहां जीरो प्लस ए इन तीनों पॉइंट्स पर फोर्स जीरो होगा ठीक है अब अगर आप x के बदले प्लस ए पुट कर दो प्लस ए पुट जीरो टू ए पुट कर दो ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव ये टर्म तो पॉजिटिव ही है इसका मतलब इधर पॉजिटिव है ग्राफ कैसा बनेगा ऐसा ये समझ पा रहे हो तो देखो ध्यान देना एक तो यहां पर फोर जीरो एक यहां फोर जीरो एक यहां फोर जीरो यानी कि x इक्वल टू ए पर फोर जीरो जो p में लिखा था x इक्वल टू जीरो पर फोर्स जीरो जो क्यू में लिखा था आर पी क्यू आर तीनों हो गए में क्या लिखा था कि अगर हम लोग इसको एक्स इक्वल टू लेस देन मॉड ऑफ एक्स लेस देन ए है तो इस कंडीशन में फोर्स अट्रैक्टिव होगा टू वाट्स ऑरिजिन देखो पॉजिटिव डायरेक्शन में डिस्प्लेस करें फोर्स क्या है नेगेटिव नेगेटिव डायरेक्शन में डिस्प्लेस करें फोर्स पॉजिटिव कहने का मतलब यह है कि यहां से इधर डिस्प्लेस किया फोर्स इधर लग रहा है इधर डिस्प्लेस किया फोर्स इधर लग रहा है अट्रैक्टिव फोर्स है, attractive force है pq और इसके अलावा s भी करेक्ट हो गया t ऑप्शन में क्या लिखा था कि अगर एनर्जी u नॉट बाय 4 है तो ये x इक्वल्स टू माइनस a के अबाउट ऑसिलेट करेगा माइनस a के अबाउट चेक कर ले यहां से पॉजिटिव डायरेक्शन में फोर्स भी पॉजिटिव है यानी ये तो दूर जाएगा नेगेटिव डायरेक्शन में फोर्स नेगेटिव है ये भी दूर जाएगा तो ऑसिलेशन होगा नहीं यानी इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा pq rs ये समझ में आया ये हो गया अब हम लोग इसके एक और ऑप्शन के बात करते हैं आखिरी ऑप्शन देखो फोर्थ ऑप्शन तो ये जो फोर्थ ऑप्शन है इसमें क्या लिखा है u इक्वल्स टू यू नॉट बाई टू एक्स बाई ए इसको हम लोग पहले लिख लें बच्चों u इक्वल्स टू यू नॉट बाई टू इंटू एक्स बाई ए माइनस वन बाई थ्री एक्स बाई ए टू दी पावर थ्री बस फोर्स फाइंड करके हम लोग चेक कर पाएंगे फोर्स के लिए क्या लिख सकते हैं माइनस डी यू बाई डी एक्स ठीक है डिफ्रेंशिएट कर दो माइनस यू नॉट बाई टू यहां पर तो क्या आ गया वन बाई ए इस जगह वन बाई थ्री को रहने देते हैं a को भी रहने दो थ्री एक्स स्क्वायर बस इतना ही आया थ्री से थ्री कैंसिल माइनस यू नॉट बाई टू ए कॉमन अगर ले लें तो वन माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर आएगा माइनस भी कॉमन ले लो u नॉट बाई टू ए यहां पर देखो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता अब हम लोग क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइड में सिंपल आ गया बच्चों फोर्स को क्या लिखना है u नॉट बाई टू ए क्यूब और एक्स प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए सिर्फ फोर्स का ग्राफ ड्रॉ कर लें हालांकि आप पोटेंशियल एनर्जी का भी ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो सिर्फ फोर्स से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं देखो एक्स इक्व टू माइनस ए और एक्स इक्व टू प्लस ए दो जगह फोर्स जीरो है ठीक है अगर हम लोग एक्स की वैल्यू टू ए पुट कर लें तो यह भी पॉजिटिव यह भी पॉजिटिव इधर पॉजिटिव है यहां से यहां तक नेगेटिव आएगा फिर पॉजिटिव ऐसा ग्राफ बन गया क्लियर ठीक है उसके बाद देखो पी में ऐसा लिखा था क्यू में जीरो होगा नहीं क्यू आर ये आर हो जाएगा एस में क्या लिखा था ऑप्शन में कि अगर हम लोग ये ओरिजिन है ओरिजिन के इस तरफ ले जाएं तो इधर फोर्स लगेगा इधर डिस्प्लेस करें तो इस तरफ यानी अट्रैक्टिव फोर्स देखो इस तरफ तो सच कंडीशन फुलफिल कर रहा है इधर बात करें नेगेटिव डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है फोर्स भी नेगेटिव है तब तो ये दूर चला जाएगा अट्रैक्टिव फोर्स नहीं होगा तो इसलिए एस नहीं होगा टी की बात करें टी में क्या लिखा था अगर यू नॉट बाई फोर है एक्स इक्व टू माइनस ए के अबाउट ऑसिलेट करेगा ध्यान देना बच्चों माइनस ए से पॉजिटिव डायरेक्शन में अगर हम लोग इस तरफ जा रहे हैं फोर्स नेगेटिव है और माइनस ए से नेगेटिव डायरेक्शन में फोर्स पॉजिटिव है इसका मतलब अगर इधर डिस्प्लेस हुआ फोर्स इधर लग जाएगा इस तरफ डिस्प्लेस करें फोर्स इधर लग जाएगा ऑसिलेशन होगा तो पी आर और टी ये तीनों इसके करेक्ट हो जाएंगे ठीक है बच्चों अब हम लोग आगे बढ़ते हैं देखो बच्चों अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर टेन इसमें क्या लिखा है बराबर त्रिज्या वाले दो गोलों पी तथा क्यू के घनत्व क्रम सह रो वन तथा रो टू है ये पी और क्यू दो अलग अलग गोले हैं दोनों का घनत्व दिया हुआ है इसके लिए रो वन और यहाँ पर रो टू गोलों को एक द्रव्यमान रहित डोरी से जोड़कर सिग्मा वन तथा सिग्मा टू घनत्व वाले तथा ईटा वन एवं ईटा टू श्यांता वाले द्रवों एल वन तथा एल टू में डाला जाता है तो इसके लिए कॉफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा वन दिया है और इसकी जो डेंसिटी है वो सिग्मा वन दिया है यहाँ पर यही वैल्यू सिग्मा टू और ईटा टू गिवन है। पी एवं एल वन में तथा गोला क्यू द्रव एल टू में तैरता है पी एल वन में और गोला क्यू एल टू में तैर रहा है तथा डोरी चित्रानुसार तनी रहती है यदि गोले पी को अलग L2 में डालने पर गोले P को किसमें L2 में उसका सीमांत वेग VP होता है और गोले Q को L1 में अलग से डालने पर सीमांत वेग VQ है इसको जब हम लोग L1 में रखते हैं तो नीचे की तरफ जाएगा सीमांत वेग VQ और इसको L2 में रखते हैं सीमांत वेग VP है ठीक है अब हम लोगों को चार ऑप्शन में से बताना है कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा है तो ध्यान देना बच्चों सबसे पहले हम लोग बात करते हैं वेग की अगर आप इस सब का रिलेटिव टर्म फाइंड करो जैसे मान लें कि रो वन है रो वन और रो टू इसके कारण जो फोर्स लगेगा नेट फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सर्ट होगा एम जी हम लोग कह दें और ऊपर की तरफ बायन से लगेगा तो हम लोग इसको आगे सॉल्व करते हैं देखो ये पी है ये क्यू है इसकी डेंसिटी रो वन इसकी डेंसिटी रो टू दोनों को अगर सिस्टम मान ले तो उसमें जो टेंशन होगा वो इंटरनल फोर्स हो जाएगा टेंशन को अब कंसिडर करने की जरूरत नहीं नेट डाउनवर्ड फोर्स नेट अपवर्ड फोर्स इक्वल होंगे ठीक है और दोनों के लिए त्रिज्या समान है त्रिज्या समान है आयतन दोनों का समान होगा हम लोग आयतन को V नॉट से डिनोट कर देते हैं ठीक है तो इस पर जो नीचे की तरफ फोर्स लगेगा उसको mg लिखते हैं m का मतलब हो जाएगा वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी फिर इस पर जो नीचे की तरफ फोर्स लगेगा उसको क्या लिखेंगे वी नॉट रो टू जी डायरेक्शन में अप थ्रस्ट लगेगा यानी बायसी तो इसके लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं वॉल्यूम इंटू डेंसिटी सिग्मा वन है लिक्विड एल वन के लिए फिर दूसरे लिक्विड के लिए क्या लिखेंगे v नॉट सिग्मा टू इंटू जी अब देखो वी नॉट और g सब में कैंसिल हो जाएगा एक रिलेशन आएगा रो वन प्लस रो टू इक्वल्स टू सिग्मा वन प्लस सिग्मा टू यह समझ में आया अब हम लोग आगे बढ़ते हैं देखो ध्यान देना ये जो लिक्विड एल वन है इसमें पी है ऑब्जेक्ट और क्यू स्फीयर ये एल टू में है यानी हम लोग इतना कह सकते हैं कि जो क्यू की डेंसिटी होगी वो सबसे ज्यादा होगी रिलेटिव डेंसिटी की बात करते हैं बच्चों रो वन सबसे कम होगा उसके बाद सिग्मा वन फिर उसके बाद ये सिग्मा टू और सबसे अधिक रो रोटू ये समझ में आए ना क्योंकि रो रोटू ये जो लिक्विड है इस लिक्विड ये लिक्विड नीचे है और ये लिक्विड एल वन ऊपर है तो सिग्मा वन सिग्मा टू को तो आसानी से कंपेयर कर सकते हो अगर स्ट्रिंग को काट दें तो ये ऊपर जाना चाहिए ये नीचे जाना चाहिए क्योंकि क्लिडियम में है तो इसका मतलब इसकी डेंसिटी पी की डेंसिटी सबसे कम है और क्यू की डेंसिटी सबसे अधिक यहां तक समझ में आया अब क्वेश्चन में क्या लिखा है देखो पी एलवन में पी को हम लोग एलवन में रखा अच्छा ये इसके बाद देखते हैं यदि को अलग एलटू में डालने पर उसका सीमांत वेग वीपी होता है ध्यान से समझना पी को किसमें रखा L2 में। किस है एल टू में ज्यादा डेंसिटी किसकी है एल टू की उसमें पी को रखा तो पी ऊपर की तरफ जाएगा यानी ये जो सीमांत वेग है ये अपवर्ड डायरेक्शन में होगा VP का डायरेक्शन किधर होगा अपवर्ड फिर नेक्स्ट लिखा है क्यू का L1 में अलग से डालने पर सीमांत वेग क्यू को L1 में डालते हैं L1 में क्यू नीचे की तरफ जाएगा तो वी क्यू जो सीमांत वेग है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा यहां तक समझ में आया एक वेलोसिटी अपवर्ड एक वेलोसिटी डाउनवर्ड अगर हम लोग वेक्टर के फॉर्म में लिखे इनका डॉट प्रोडक्ट दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि कॉस वन एटी माइनस वन होता है तो हम लोग एक आंसर यहां पे कर सकते हैं ऑप्शन नंबर फोर ठीक है अगर ऑप्शन नंबर फोर करेक्ट है तो थर्ड इनकरेक्ट हो गया फर्स्ट और सेकंड में देखो जो टर्मिनल वेलोसिटीज है इनका रेशियो है और हम लोग को ये रेशियो फाइंड करना है तो अब इसको सॉल्व करते हैं पहले हम लोग टर्मिनल वेलोसिटी Vp की बात करते हैं P को किसमें रखा है इस लिक्विड में L2 में तो एल की डेंसिटी ज्यादा है ये ऊपर की तरफ जाएगा फॉर्मूला होता है टू बाई नाइन ईटा आर स्क्वेयर क्योंकि दोनों की त्रिज्या बराबर है तो फर्क नहीं पड़ेगा P और Q दोनों के लिए हम लोग त्रिज्या सेम लेंगे अब ध्यान देना यहाँ पर ऊपर की तरफ जाएगा ये P को जब इस L2 में रख रहे हैं ऊपर की तरफ जाएगा और डेंसिटी किसकी ज्यादा होगी L2 की यानी कि सिग्मा टू यहां पर ग्रेटर है और रो वन स्मॉलर है तो हम लोग सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं इसलिए ऐसा लिख दिया ये एक रिलेशन आ गया दूसरा रिलेशन लिखते हैं यहां पर ईटा वन लिख दें ठीक है ये कौन सा लिक्विड है लिक्विड टू है ना तो लिक्विड टू के लिए ईटा टू ठीक है ये समझ में आ गया उसके बाद नेक्स्ट देखो हम लोग अब दूसरे यानी Q ऑब्जेक्ट को लिक्विड L1 में रख रहे हैं वो नीचे की तरफ जाएगा तो जो उसमें टर्मिनल वेलोसिटी होगी वी क्यू इसको ऐसे लिखेंगे फिर से टू आर स्क्वेयर बाई नाइन इस लिक्विड के लिए कॉफिशेंट ऑफ विस्कोसिटी इटा1 ईटा वन है तो नाइन ईटा वन और यहाँ पर क्योंकि देखो जब नीचे गिर रहा है ना तो डेंसिटी किसकी ज़्यादा है क्यू की यानी कि रो टू अब ज़्यादा होगा तो रो टू माइनस वन ऐसा लिख देंगे अब यहां से जरा कंपेयर करो ये जो हम लोगों ने लिखा है देखो इसको मैं एक बार फिर से नए तरीके से लिखता हूं ये रो वन है यहां पर देखो रो वन है और रो टू रो टू माइनस सिग्मा वन इस सिग्मा वन को इस तरफ ले आओ तो रो टू माइनस सिग्मा वन आएगा और रो वन को उधर ले जाओ क्या हो जाएगा सिग्मा टू माइनस रो वन दोनों इक्वल हो गए ये देखो ये टर्म क्या है रो टू सॉरी सिग्मा टू माइनस रो वन और ये टर्म रो टू माइनस सिग्मा वन दोनों इक्वल है तो अब अगर आप डिवाइड करते हो अब इन सबको मिटाते हैं देखो यहां भी यहां भी हम लोगों को क्या फाइंड करना है टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ पी बाय टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ क्यू इनका मैग्नीट्यूड ही तो फाइंड करना है ये टर्म कटेगा टू बाई नाइन ये भी कैंसल होगा आर स्क्वायर भी कैंसल होगा ईटा टू नीचे रह जाएगा और ईटा वन ऊपर आ जाएगा अब देखो कौन सा आंसर मैच कर रहा है फर्स्ट या सेकंड फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा सेकंड में ईटा टू लिखा है ये इनकरेक्ट पहले ईटा टू लिख दिया ना तो फर्स्ट और फोर्थ इसका करेक्ट होगा ठीक है बच्चों अब हम लोग आगे बढ़ते हैं ये था क्वेश्चन नंबर टेन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इलेवन थोरिटिकल क्वेश्चन है क्वेश्चन में क्या लिखा है इन प्लॉटिंग स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व फॉर मेटेरियल पी एंड क्यू पी और क्यू दो अलग अलग मटेरियल मेटेरियल इनके लिए ग्राफ ड्रॉ किया गया है अ स्टूडेंट बाय मिस्टेक पुट द द स्ट्रेन ऑन वाई एक्सिस देखो वाई एक्सिस पर यहां स्ट्रेन रिप्रेजेंट किया है एंड स्ट्रेस ऑन द एक्स एक्सिस एक्स एक्सिस पर स्ट्रेस है जनरली हम लोग ऐसे ड्रॉ करते हैं यहां पर स्ट्रेस और इधर स्ट्रेन ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा ठीक है या फिर इसका ऐसे जो भी है अभी ये उल्टा लिखा है तो देखो क्या लिखा है बाई मिस्टेक पुट स्ट्रेन ऑन द वाई एक्सिस एंड स्ट्रेस ऑन द एक्स एक्सिस एस ऑन इन द फिगर देन द करेक्ट स्टेटमेंट इज या करेक्ट स्टेटमेंट आर अब देखें इसमें करेक्ट स्टेटमेंट क्या हो सकता है अगर आप इसको इस तरह से कर्व करोगे ध्यान देना बच्चों पहले ऑप्शन में क्या लिखा है उसको चेक करें पी हैज़ मोर टेंसाइल स्ट्रेंथ देन क्यू टेंसाइल स्ट्रेंथ के लिए हम लोग चेक करेंगे देखो पी का टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा होगा इधर स्ट्रेस जो है टेंसाइल स्ट्रेस जिसको अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस बोलते हैं पी के लिए ज्यादा है क्यू के कंपेरिजन में तो पी की स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगी पी हैज मोर टेंसाइल स्ट्रेंथ करेक्ट लिखा है सेकेंड ऑप्शन में देखो क्या लिखा है पी इज मोर डक्टाइल देन क्यू अब डक्टिलिटी के लिए हम लोग यहां पर चेक करेंगे कि जो अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस है और जो ब्रेकिंग पॉइंट है उनके बीच का गैप कितना है यहाँ पर अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेथ और फ्रैक्चर पॉइंट के बीच का डिस्टेंस ज़्यादा है इसमें ये डिस्टेंस बहुत कम है यानी ये ज़्यादा ब्रिटल होगा और ये डक्टाइल होगा तो पी ज़्यादा डक्टाइल है क्यू ज़्यादा ब्रिटल है लिखा है पी इज मोर डक्टाइल ये सही है यहां पर लिखा है पी इज मोर ब्रिटल क्या होना चाहिए क्यू इज मोर ब्रिटल तो थर्ड ऑप्शन इनकरेक्ट है फिर अब यंग्स मॉडलर्स की बात करें देखो स्ट्रेस बाय स्ट्रेन होता है अगर आप यहां पर स्ट्रेस लिखते y एक्सिस पर और x एक्सिस पर स्ट्रेन तो हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर आप यहां पर स्लोप लिखोगे स्लोप जिसका ज्यादा उसका यंग्स मॉडलर्स ज्यादा होगा अभी उल्टा लिखा है तो हम लोग इधर से देखेंगे एंगल ठीक है तो ये स्लोप इस तरफ से देखो ये एंगल Q का ज्यादा है यानी Q का यंग्स ज्यादा होगा P का यंग्स कम होगा यहां पे क्या लिखा है यंग्स ऑफ P इज मोर मोर नहीं होना चाहिए लेस होना चाहिए तो ये ऑप्शन नंबर फोर भी करेक्ट हो, इनकरेक्ट होगा यानी कि सिर्फ फर्स्ट और सेकेंड इसमें करेक्ट है आगे बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेल्थ देखो इसमें क्या लिखा है अ फ्लैट प्लेट इज मूविंग नॉर्मल टू इट्स प्लेन थ्रू अ गैस अंडर द एक्शन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स एफ उस पे एफ फोर्स लग रहा है जिसके कारण वो मूव कर रहा है द गैस इज केप्ट एट वेरी लो प्रेशर स्पीड ऑफ द प्लेट वी इज मच लेस देन द एवरेज स्पीड यू ऑफ द गैस गैसीय मॉलिक्यूल्स जो है वो यू वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं और प्लेट हम लोग मान ले ऐसा एक प्लेट है वो v से मूव कर रहा है एक कांस्टेंट फोर्स उस पर लग रहा है विच ऑफ दर ट्रू चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा या कौन सा गलत होगा पहले में लिखा है प्लेट इज प्रोपोर्शनल टू v। सेकेंड में लिखा है एट अ लेटर टाइम द एक्सटर्नल फोर्स f बैलेंसेज द रेसिस्टिव फोर्स थर्ड में लिखा है प्लेट विल कंटिन्यू टू मूव विथ कॉन्स्टेंट नॉन जीरो एक्सलरेशन एट ऑल टाइम और फोर्थ में लिखा है प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द लीडिंग एंड ट्रेलिंग फेसेस ऑफ द प्लेट इज प्रोपोर्शनल टू यू चार ऑप्शन है बारी बारी से हर एक ऑप्शन को चेक करना है जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग हम लोग अब सॉल्व करते हैं जो इन्फॉर्मेशन दिया है उसका यूज करेंगे ठीक है देखो पहले तो हम लोग मान लें कि एक प्लेट है इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया इस तरफ से एरिया इस तरफ से एरिया ए मान लेते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा है कि ये वी वेलोसिटी से इस इस तरफ मान लो राइट मूव right कर रहा है इस पर एक कांस्टेंट फोर्स लग रहा है एफ इस तरफ मॉलिक्यूल्स यू वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं तो हम लोग मान लें कि इसके लीडिंग एज पर यानी फ्रंट में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो यू वेलोसिटी से इस तरफ और पीछे जो है वो भी यू वेलोसिटी से इस तरफ मूव कर रहे हैं असल में क्या जब ये कॉलिजन होगा उसके बाद ही तो फोर्स लगेगा या प्रेशर एग्जर्ट होगा ये समझ में आ रहा ना तो अगर कोई गैसियस मॉलिक्यूल्स इस डायरेक्शन में पहले से मूव कर रहा है इसके साथ तो कॉलिजन ही नहीं होगा क्लियर ठीक है अब हम लोग आगे बढ़ते हैं देखो पहले तो प्लेट के रेस्पेक्ट में बात कर लें कि इस तरफ से जो मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं गैसियस मॉलिक्यूल्स प्लेट के रेस्पेक्ट में उसकी रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी इधर से जो मॉलिक्यूल्स जा रहे हैं प्लेट के रेस्पेक्ट में उसकी रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी बिफोर कॉलिजन अगर प्लेट के रेस्पेक्ट में बात करें तो इधर से जो गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं वो असल में U प्लस वी वेलोसिटी से प्लेट की तरफ आ रहे हैं और जो अपोजिट डायरेक्शन में यहां पर ट्रेलिंग एज पे इसके लिए क्या वेलोसिटी हो जाएगी u माइनस वी ये समझ में आ ना v था यहाँ पर u माइनस माइनस भी कर दो यहाँ पर u माइनस भी सिंपल तो u माइनस माइनस भी असल में प्लस हो गया ये क्लियर हुआ अब ये जो प्लेट है वो गैसियस मॉलिक्यूल्स के मुकाबले बहुत ही लार्ज साइज का है कॉलिजन इलास्टिक है टकराने के बाद जनरली इलास्टिक कोलिजन ही होता है बच्चों तो टकराने के बाद सेम स्पीड से लौटेगा ये भी ये भी तो प्लेट के रेस्पेक्ट में अगर हम लोग आफ्टर कॉलिजन बात करें प्लेट के रेस्पेक्ट में यहाँ जो गैसियस मॉलिक्यूल है ये इस डायरेक्शन में यू प्लस वी वेलासिटी से और ये गैसियस मॉलिक्यूल अपोजिट डायरेक्शन में u माइनस वी वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा यहाँ तक समझ में आया चेंज इन मोमेंटम अगर हम लोग फाइंड कर ले मान लो एक मॉलिक्यूल का मास m है तो m को हम लोग डेंसिटी इन वॉल्यूम लिख सकते हैं वहां से एक कॉन्सेप्ट मिल जाएगा अब ध्यान देना यहां से ये यह इससे टकराएगा और लौटेगा चेंज इन वेलोसिटी कितनी है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी तो लीडिंग एज के लिए चेंज इन वेलोसिटी हो जाएगी 2u v ये समझ में आ रहा है देखो मैं लिख के बताता हूं u v पॉजिटिव फिर माइनस माइनस u v माइनस इसलिए लिया क्योंकि ये नेगेटिव डायरेक्शन में है तो चेंज इन वेलोसिटी हो जाएगी 2u v क्लियर 2u 2v जिसमें से 2 कॉमन लिया ऐसा उसी तरीके से जो लीडिंग एज पर था ये तो निकल गया चलो अगर हम लोग ट्रेलिंग एज की बात करें तो ट्रेलिंग एज के गैसे मॉलिक्यूल्स के लिए भी चेंज इन वेलोसिटी u माइनस वी माइनस यू माइनस वी लिखेंगे तो वहां पर भी क्या आएगा ट्वाइस ऑफ u माइनस वी ये समझ में आ गया तो रिलेटिव वेलोसिटी हमें पता चल गया अब हम लोग फोर्स की बात करते हैं लीडिंग एज पर ये मॉलिक्यूल्स जो फोर्स लगाएंगे उसको हम लोग लिखेंगे रो ए वी स्क्वायर रो क्या है उस गैसियस मॉलिक्यूल्स की डेंसिटी है ए एक एरिया है और वी रिलेटिव लिखेंगे तो ट्वाइस है टू का स्क्वायर करने पर फोर हो जाएगा यू प्लस वी का स्क्वायर ये समझ में आ गया अभी अभी लिखा था ना यू टू यू प्लस टू वी चेंज इन वेलोसिटी तो उस हिसाब से हमें ये रिजल्ट आ गया है इसी तरीके से अब हम लोग ट्रेलिंग एज की बात करें तो ट्रेलिंग एज में क्या हो जाएगा फोर रो ए यू माइनस वी का स्क्वायर लीडिंग एज ट्रेलिंग एज दोनों पर फोर्सेस मिल गए अब ये इस तरफ से फोर्स लगाएगा यानी कुछ ना कुछ प्रेशर एग्जर्ट होगा इधर से फोर्स लगाएगा कुछ ना कुछ प्रेशर एक्जर्ट होगा एक ऑप्शन में हमें क्या फाइंड करना है प्रेशर डिफरेंस तो हम लोग एक काम करते हैं पहले फोर्स का डिफरेंस निकाल लें एफ एल माइनस एफ टी दोनों फोर्स का डिफरेंस मिल जाएगा इसको एरिया से अगर डिवाइड कर दें। चलो अभी तो पहले फोर्स लिख लेते हैं बाद में एरिया तो फोर्स का डिफरेंस कितना आएगा देखो फोर रो ए कॉमन आ जाएगा लीडिंग एज के लिए है यू प्लस वी ध्यान देना मैं डायरेक्ट लिखूंगा यू प्लस वी का स्क्वायर है इसमें से आप u माइनस वी के स्क्वायर को माइनस करोगे तो ये टर्म क्या आएगा यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा टू यू वी यहां और माइनस माइनस प्लस टू यू वी यानी फोर यू वी आएगा ये समझ में आया फोर यू वी लिखा है फोर यू वी तो वही टर्म यहां पे लिखेंगे फोर यू वी यानी एक्चुअली ये सिक्सटीन रो ए यू वी आ गया अब हम लोग बात करते हैं प्रेशर की तो जो प्रेशर एग्जर्ट होगा डिफरेंस इन प्रेशर डेल्टा पी इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं डेल्टा एफ बाय एरिया एफ एल माइनस एफ टी बाई ए देखो एरिया ये ए कैंसिल हो जाएगा तो आप इसको लिख पाओगे सिक्सटीन रो यू इंटू वी ये समझ में आ गया यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है ठीक है अब आगे बढ़ेंगे देखो इसमें एक और टर्म हम लोग यूज कर सकते हैं ये जो प्लेट है इस पर एक फोर्स इधर लग रहा है और दूसरा ये नेट फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा ठीक है तो हम लोग एम डी वी बाई डी टी वी वेलोसिटी है एम डी वी बाई डी टी को क्या लिख सकते हैं एफ जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है माइनस ये डेल्टा F डेल्टा F की वैल्यू है सिक्सटीन रो ए ठीक है तो अब देखो जैसे जैसे ये फोर्स लग रहा है इस तरफ तो इसकी V इंक्रीज होती जाएगी V इंक्रीज होता जाएगा तो एक इंस्टेंट ऐसा आएगा जब ये F और ये वाला टर्म दोनों इक्वल हो जाएंगे यानी कि यहाँ पर ये जो नेट फोर्स है वो जीरो हो जाएगा जिस तरह से विस्कस फ्लूड में कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो विस्कस फोर्स के कारण थोड़े टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है टर्मिनल वेलोसिटी। उसी तरह से कुछ टाइम के बाद ये प्लेट भी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करने लग जाएगा ये समझ में आया ठीक है अब देखो जो चेंज इन प्रेशर है ये यू वी के प्रोपोर्शनल है क्लियर जो रेसिस्टिव फोर्स है वो वी के प्रोपोर्शनल है ठीक है और एक टाइम के बाद ये जो वेलोसिटी होगी वो कांस्टेंट हो जाएगी नेट फोर्स ये जीरो हो जाएगा कुछ पर्टिकुलर टाइम के बाद अब हम लोग ऑप्शंस चेक करते हैं

नेक्स्ट लिखा है द प्लेट विल कंटिन्यू टू मूव विथ कॉन्स्टेंट नॉन जीरो एक्सेलरेशन एक बार जब टर्मिनल वेलोसिटी आ गई नेट फोर्स जीरो हो गया फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा यह गलत है इसमें नॉन जीरो एक्सेलरेशन लिखा है फिर एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी जीरो फिर फोर्थ ऑप्शन की बात करें प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द लीडिंग एंड ट्रेलिंग फेसेस ऑफ द प्लेट इज प्रोपोर्शनल टू यू वी यू और वी दोनों का टर्म आया था दोनों के प्रोपोर्शनल है ऑप्शन नंबर फोर भी करेक्ट होगा अब हम लोग आगे बढ़ेंगे ये था क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर थर्टीन इसमें क्या लिखा है अस्टेडिकल बॉडी ऑफ रेडियस आर कंसिस्ट ऑफ अ फ्लूड ऑफ कॉन्स्टेंट डेंसिटी

स्मॉल आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट आप P मान लो टोटल रेडियस को हम लोग कैपिटल R कह देते हैं देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है एक छोटा सा सेगमेंट हम लोग कंसिडर कर लें यहां पर स्फेरिकल शेल जैसा एलिमेंटल सेल बोल दो ऐसा एक एलिमेंटल सेल है क्वेश्चन में ये लिखा है कि इसमें जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है और इसमें जो प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है तो ग्रेविटेशनल फोर्स और प्रेशर दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं और ये इक्लिब्रियम में रह रहा है ठीक है ध्यान देन देना तो अब हम लोग बात करते हैं इसी पॉइंट पर प्रेशर की ये जो पॉइंट है इस पर प्रेशर को डेल्टा पी से रिप्रेजेंट करें ये पी पॉइंट है ठीक है कंफ्यूज मत होना चलो इस पॉइंट को मैं बदल देता हूं कुछ और नाम दे देते हैं इस पॉइंट को ए नाम दे दो इसके थिकनेस को हम लोग डी आर से डिनोट कर देते हैं तो अगर प्रेशर की बात करें डेल्टा पी या डी पी मान लो प्रेशर क्या होगा फोर्स अपन एरिया इस पॉइंट पर सेंटर से आर डिस्टेंस पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा हम लोग क्या लिख सकते हैं जी एम एम यहाँ पर सिर्फ इतने से पार्ट का मास लेंगे क्योंकि तो बाहर के मास से तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता नहीं है या आप डायरेक्ट फार्मूला लिख सकते हो जी कैपिटल एम आर बाई आर क्यू अभी हम लोग इंटरनल मास ले रहे हैं जी एम फिर दूसरा एम ये डी एम लिखा है इस एलिमेंटल स्फेरिकल शेल का मास डिवाइडेड बाय आर स्क्वा फोर्स हो गया फोर्स अपॉन एरिया लिख देते हैं और एरिया क्या है देखो फोर पाई आर स्क्वेर ये डी मिल गया अब इसी में हम लोग वैल्यूज को पुट करते हैं जो एम है उसकी वैल्यू और डीएम की वैल्यू पुट करेंगे बाद में इंटरगेट करना है जी बाय आर स्क्वायर और वन बाय फोर पाई आर स्क्वायर इसको अलग रखते हैं एम मास है और इतने से ये जो अंदर में पार्ट है इतने से वॉल्यूम का मास है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों फोर बाई थ्री पाई आर क्यूब इंटू डेंसिटी डेंसिटी को अभी रो मान लेते हैं ठीक है बाई थ्री पाई इंटू डेंसिटी लिख दिया अब DM की बात करें, तो क्या 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 हो जाएगा? ये है? है? आ गया। डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दो डेंसिटी है रो देखो फोर पाई स्कोर यहां भी है फोर पाईर यहां भी है कैंसिल यहां पर आर स्कर है यहां पर आर क्यूब है तो एक आर रह जाएगा अब जो टर्म बचा उसके बात करते हैं देखो डी पी एस इक्वल्स टू फोर बाई थ्री पाई और जी फोर बाई थ्री पाई ऊपर आएगा जी भी ऊपर आ गया रो इंटू रो क्या हो जाएगा रो स्क्वायर ये पूरा का पूरा आर स्क्वायर कट चुका है तो एक आर आएगा और साथ में डी आर आएगा कोई दिक्कत तो नहीं है इसके अलावा ये सारा का सारा टर्म कांस्टेंट है तो हम लोग डी को डी पी इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट इंटू आर डी आर लिख दें ये जो भी टर्म था इसको कांस्टेंट मान लिया डी मिल गया अब इसको इंट्रीग्रेट करना है देखो प्रेशर जो लगेगा क्योंकि ग्रेविटेशनल पुल आ रहा है तो उसके कारण बाहर का जो लिक्विड है वो इस पर प्रेशर एग्जर्ट करेगा क्लियर है तो जो इंट्रीग्रेट करना है वो स्मॉल आर से कैपिटल आर के लिए इंट्रग्रेट करना है समझ पा रहे हो बच्चों छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है ध्यान से समझना प्रेशर बाहर से लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स अंदर वाला पुल कर रहा है तो अब हम लोग क्या लिख सकते हैं नेट इंट्रिगेशन के लिए डी है इसको इंट्रीगेट कर दो सी बाहर आ जाएगा आर डी आर यहाँ पर स्मॉल आर से लेकर कैपिटल आर और प्रेशर जीरो से पी कर देते हैं इसको इंटीग्रेट करके सीधा सीधा पी लिख दो इधर का आप मिटा देते हैं बच्चों देखो असल में हम लोगों को प्रेशर डिफरेंस जो है ना वो फाइंड करना आप पी वन पी टू भी लिख सकते हो यानी डेल्टा पी आ जाएगा ध्यान देना अब यहां पर क्या रिजल्ट आ जाएगा पी इज इक्वल्स टू सी आर स्क्वेयर बाई टू जब आप लिमिट लोगे तो ये c बाई टू इंटू कैपिटल आर स्क्वा माइनस स्मॉल आर स्क्वा ये टर्म आ गया बाकी कांस्टेंट कुछ भी है हमें तो रेशियो फाइंड करना है बच्चों तो आप सिंपली ये कह सकते हो कि प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वेर माइनस स्मॉल आर स्क्वा जो हमें फाइंड करना था वो मिल गया अब बारी बारी से ऑप्शन पुट करना है अगर आर के बदले आप ज़ीरो पुट करोगे प्रेशर ज़ीरो नहीं आएगा ठीक है यहाँ पर स्मॉल आर की वैल्यू इसमें पुट कर दो और फिर दूसरे बार पुट करके रेशियो फाइंड करो देखो यही आता है मैं चेक करके बताता हूँ थोड़ा लेंदी है इसके आगे तो आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हो बच्चों देखो अब इसको पूरे ही दो प्रेशर क्या लिखा था प्रोपोर्शनल टू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर ऑप्शन नंबर वन तो इनकरेक्ट हो गया ऑप्शन नंबर टू की बात करें पी एट आर इज इक्वल्स टू थ्री आर बाई फोर बाई पी एट आर इक्वल्स टू टू आर बाई थ्री अगर आप यहां पे पुट करोगे देखो आर स्क्वायर माइनस इसको स्क्वायर कर दें नाइन बाई सिक्सटीन आ जाएगा और यहां पर फोर और डिवाइडेड बाई नाइन ऐसा आ जाएगा सिक्सटीन माइनस नाइन यानी सेवन आर स्क्वायर तो कट ही जाना है सेवन बाई सिक्सटीन आ गया फिर इसमें क्या आ जाएगा नाइन माइनस फोर यानी कि फाइव देखो क्या आ रहा है सिक्सटी थ्री बाई यही तो लिखा है ऑप्शन नंबर टू करेक्ट हो जाएगा इसी तरह से आप थर्ड और फोर्थ भी चेक कर सकते हो जब आप चेक करोगे तो थर्ड आंसर करेक्ट आ जाएगा फोर्थ इन करेक्ट आ जाएगा सिंपल है अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फोर्टीन देखो इसमें क्या लिखा है कंसीडर टू सॉलिड स्फीयर्स पी एंड क्यू इच हैविंग डेंसिटीज एट ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दो स्फीयर्स हैं, दोनों की डेंसिटी सेम गिवन है और डायमीटर देखो एक का वन सेंटीमीटर क्यूब है और दूसरे का हाफ दिया हुआ है पॉइंट फाइव सेंटीमीटर क्यूब नहीं वन सेंटीमीटर और पॉइंट फाइव सेंटीमीटर फिर लिखा है स्फीयर पी इज ड्रॉप्ड इन अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो वन मान लो इसको ठीक है एंड विस्कोसिटी इसको ईटा वन नाम दे दो फिर दूसरा स्फीयर क्यू है इसको दूसरे लिक्विड में ड्रॉप कर रहे हैं जिसकी डेंसिटी हम लोग रो टू मान लें कॉफिशेंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा टू मान लेते हैं लिखा है द रेशियो ऑफ द टर्मिनल वेलोसिटीज ऑफ पी एंड क्यू इज टर्मिनल वेलोसिटी की बात करें बच्चों फॉर्मूला होता है टर्मिनल वेलोसिटी ना टू बाई नाइन ईटा यहां आर स्क्वेर फिर रो माइनस सिग्मा यही फॉर्मूला होता है तो अब दो अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं टर्मिनल वेलोसिटी का रेशियो अगर चाहिए वीपी बाई वी क्यू चलो मैं यही लिखता हूं वी पी बाय वी क्यू टू बाई नाइन हो जाएगा रेडियस दोनों का अलग अलग दिया है डायमीटर अलग तो रेडियस अलग हम लोग क्या लिख दें आर पी बाय आर क्यू ईटा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है दो अलग अलग ईटा है तो एक लिक्विड के लिए ईटा वन नाम दे देते हैं ईटा वन और दूसरे के लिए ईटा टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसलिए ऐसा लिखा है ईटा वन नीचे आ गया ईटा टू ऊपर आ गया यहां पर फिर देखो रो और सिग्मा है रो तो दोनों के लिए सेम है एट एक के लिए हम लोग सिग्मा वन नाम दे दें दूसरे के लिए सिग्मा टू अब क्या करना है सिर्फ वैल्यूज को पुट करना है ध्यान देना पी के लिए क्या डायमीटर दिया हुआ वन और क्यू के लिए पॉइंट फाइव तो डायमीटर का रेशियो है टू रेडियस का भी रेशियो हो जाएगा टू कॉफिजेंट ऑफ विस्कोसिटी की बात करें पहले लिक्विड के लिए कॉफिजेंट ऑफ विस्कोसिटी है थ्री और दूसरे लिक्विड के लिए टू यह भी समझ में आया अब हम लोग यहां पर डेंसिटी की बात करेंगे पहले लिक्विड के लिए डेंसिटी है पॉइंट एट और दूसरे लिक्विड के लिए डेंसिटी है वन पॉइंट सिक्स रेशियो है ठीक है ना देखो ये जो भी यूनिट है यूनिट चेंज करने की जरूरत नहीं क्योंकि सेम यूनिट है कैंसिल हो जाएगा अब हम लोग फाइनली इसका आंसर फाइंड कर लेंगे देखो ये कितना हो जाएगा टू का स्क्वेयर यहां लिख दें फोर इंटू टू बाई थ्री सही लिखा है ना कुछ मिस्टेक तो नहीं है ईटा वन ईटा वन ये है थ्री और ईटा टू हाँ ठीक लिखा है उसके बाद फिर एट माइनस पॉइंट एट और एट माइनस वन पॉइंट सिक्स ठीक है ये डेसिमल ये डेसिमल कैंसिल हो गया फोर इंटू टू एट हो जाएगा एट से ये एट टाइम्स में कैंसिल एट से ये नाइन टाइम्स में कैंसिल फिर देखो थ्री से ये थ्री टाइम्स में कैंसिल समझ में आया सब कैंसिल हो गया बच्चा क्या थ्री आंसर क्या होगा थ्री ये हो गया क्वेश्चन नंबर फोर्टीन इसके आगे कैलकुलेशन और कुछ नहीं कैलकुलेट कर सकते हो आप बच्चों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन देखो ध्यान देना फिफ्टीन में क्या लिखा है अ ब्लॉक विद एम ब्लॉक का मास दिया एम इज कनेक्टेड बाय मासलेस स्प्रिंग विद स्टिफनेस के टू अ रिजिड वॉल And moves without friction on horizontal surface. A spring-sat test a block, whose mass capital M, hai, horizontal surface. Move. The block oscillates with small amplitude a about an equilibrium position x naught. Consider two cases: when the block is at x naught and when the block is at x equals to x naught plus a. Two condition conditions. इन बोथ द केसेस पार्टिकल विथ मास जो एम की वैल्यू है यह कैपिटल एम से छोटा है ब्लॉक आफ्टर विच दू इच अदर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द मोशन आफ्टर द मास प्लेसड ऑन इट देखो दो कंडीशन है एक बार तो जब ऑब्जेक्ट मेन पोजिशन पर है उस वक्त उसके ऊपर स्मॉल एम मास रख रहे हैं और दूसरे कंडीशन में जब ऑब्जेक्ट एक्सट्रीम पोजीशन पर है तब उस पर स्मॉल एम मास रख रहे हैं ठीक है दो अलग अलग कंडीशन है अब चार ऑप्शन सर पहले हम लोग ऑप्शन को चेक कर लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है फिर सॉल्व करेंगे पहले ऑप्शन में लिखा है एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसोलेशन इन द फर्स्ट केस चेंजेस बाय अ फैक्टर डेल्टा एम सॉरी स्क्वायर रूट ऑफ एम बाय एम प्लस कैपिटल एम वेयर एज इन द सेकंड केस इट रिमेंस अनचेंज्ड इस question, इस क्वेश्चन ऑप्शन को तो यहीं पर चेक कर सकते हैं, चेक करते हैं बाकी लिखा है सेकंड लिखा है इंस्टेंटेनियस स्पीड एट एक्स इक्वल टू जीरो ऑफ द कंबाइंड इन बोथ द केस ध्यान देना अलग अलग कंडीशन दिए हुए चार ऑप्शन दिए हुए अब हम लोग चेक करेंगे पहले आप क्वेश्चन समझ लो फिर इसका सॉल्यूशन भी बहुत आसान हो जाएगा ऐसा कंडीशन है स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पर ये एक कैपिटल एम मास का ब्लॉक है विच इज अटैच्ड विद स्प्रिंग लाइट स्प्रिंग और मान लो कि ये ऑसिलेट कर रहा है ठीक है पहले कंडीशन में जब ये मीन पोजीशन पर है तब इसके ऊपर एक छोटा सा ब्लॉक रख रहे हैं स्मॉल ब्लॉक को रख दिया जैसे ही इसको यहां पे रख रहे हैं क्योंकि जेंटली प्लेस कर रहे हैं तो मोमेंटम में चेंज नहीं आएगा क्योंकि हॉर्जेंटल डायरेक्शन में उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर अगर हम लोग दोनों का सिस्टम मान लें तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा जीरो फ्रिक्शनल फोर्स तो लगेंगे लेकिन एक्शन रिएक्शन आप कह सकते हो जो कैपिटल एम जो स्मॉल एम पर लगेगा इक्वल और अपोजिट है तो हम लोग कह सकते हैं नेट फोर्स जीरो ठीक है अब हम लोग आगे बात करें देखो वर्टिकल डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है उसके कारण हॉर्जेंटल डायरेक्शन के मोमेंटम में कोई चेंज नहीं आता तो हम लोग यह कह सकते हैं कि जब स्मॉल मास को कैपिटल एम पे रखते हैं तो सिस्टम का नेट मोमेंटम कंजर्व रहेगा क्लियर है। है यहां तक ठीक है तो अब यहां से हम लोग नया एम्पलीट्यूड फाइंड करेंगे एक पहले इसको फाइंड कर लेते हैं ओमेगा इनिशियल वेलोसिटी है मास पोजीशन पर मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होती है ओमेगा तो ऐसा लिख दिया बाद में जो मोमेंटम है उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं टोटल मास नया एम्पलीट्यूड ए डैश एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा डैश मोमेंटम कंजर्व किया और कुछ नहीं एम वन वी वन इक्वल्स टू एम टू वी टू अब ये कैपिटल एम इंटू ए की वैल्यू स्क्वे रूट ऑफ के बाई एम ये एम लिखा है ठीक है यहां पर भी स्मॉल एम कैपिटल एम अब देखो ए डैस की वैल्यू हमें फाइंड करनी है ओमेगा डैस क्या हो जाएगा ये बदल जाएगा ना के बाई स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम सिंपल है के से के को कैंसिल कर देते हैं अगर आप इसको ऐसे लिख दो स्क्वायर रूट ऑफ एम कोई दिक्कत तो नहीं है एम को स्क्वायर रूट के अंदर लिख दिया यहां पर भी इसको भी जब आप स्क्वायर रूट के अंदर लिखोगे तो ये आएगा ए डैस इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एम प्लस कैपिटल एम अब नया एम्पलीट्यूड ए ये क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ इसको नीचे ला रहे एम बाय एम प्लस स्मॉल एम इंटू ए ध्यान देना यानी जब ऑब्जेक्ट को हम लोग मेन पोजिशन पर एक ब्लॉक को मेन जब ये लार्जर ब्लॉक मेन पोजीशन पर है उस वक्त जब स्मॉलर ब्लॉक को रखते हैं तो एम्पलीट्यूड इतने फैक्टर से चेंज हो जाएगा लेकिन अगर एक्सट्रीम पोजीशन पर है तो एक्सट्रीम पोजीशन पर उसकी वेलोसिटी मोमेंटरली क्या होगी जीरो तो वो रेस्ट में है रेस्ट में हम लोगों ने मास इंक्रीज कर दिया अभी भी जितना इलोंगेशन है उसी इलोंगेशन से वापिस आएगा तो उस कंडीशन में एम्पलीट्यूड पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा समझ में आया अब हम लोग ऑप्शंस की बात करते हैं देखो सबसे पहले ऑप्शन में क्या लिखा था एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन इन द फर्स्ट केस इज चेंज्ड बाय अ फैक्टर स्क्वायर रूट ऑफ एम बाय स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम यही तो आया हमारा भी रिजल्ट वेयर एज इन द सेकंड केस इट रिमेंस अनचेंज्ड। करेक्ट है पहला ऑप्शन सेकेंड ऑप्शन की बात करें इसमें लिखा है फाइनल टाइम पीरियड ऑफ ऑफिलेशन इन बोथ द केसेज सेम टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है टी इज इक्वल्स टू टू रूट ऑफ टोटल मास और यहां पर एक ही स्प्रिंग है तो दोनों कंडीशन में टाइम पीरियड सेम होगा करेक्ट लिखा है थर्ड में लिखा है टोटल एनर्जी डिक्रीजेज इन बोथ द केसेस हम लोग को एक केस ही पहले चेक कर लेते हैं देखो फिर बता सकते हैं कि टोटल एनर्जी का क्या होगा अगर एक्सट्रीम पोजीशन पर है एक ऑब्जेक्ट एक्सट्रीम पोजीशन पर तो जहाँ पर ऑब्जेक्ट था रेस्ट में उस पर एक और छोटा सा ऑब्जेक्ट रख दिया एम्प्लीट्यूड में कोई फर्क नहीं आया एम्प्लीट्यूड पर फर्क नहीं आएगा यहाँ से इस पोजीशन पर एम्पलीट्यूड सेम है ठीक है और जब यहाँ से इस पोजीशन पर आएगा हम लोग टोटल एनर्जी की बात करें क्या हो जाता है हाफ के ए स्कोर के बदला नहीं के क्या है स्प्रिंग चेंज हुआ? नहीं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि उस कंडीशन में टोटल एनर्जी में चेंज नहीं ले सकते यानी यहां पे जो लिखा है डिक्रीज तो एक ही ऑप्शन चेक करके हमें दोनों ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं मतलब दोनों कंडीशन को चेक करने की जरूरत नहीं है यहां पर लिखा है इन बोथ द केसेस देखो टोटल तो� एनर्जी डिक्रीजेस गलत है फोर्थ ऑप्शन की बात करें इंस्टेंटेनियस स्पीड एट एक्स नॉट ऑफ द कंबाइंड मास डिक्रीजेज इन बोथ द केसेस अब बारी बारी से चेक करते हैं जब फर्स्ट कंडीशन में मीन पोजीशन पर है उस वक्त हमने एक्स्ट्रा मास रख दिया मोमेंटम सेम रहेगा अगर मास इंक्रीज हुआ है तो हम लोग कह सकते हैं स्पीड डिक्रीज हो जाएगी यानी कि वेलोसिटी जो है स्पीड एक्स नॉट पर डिक्रीज होगी पहले कंडीशन में तो हो गया दूसरे कंडीशन की बात करें देखो जब एक्सट्रीम पोजीशन पर एक्स्ट्रा मास रख दें तो एक्सट्रीम पोजीशन पर वहां से जब मेन पोजीशन पर आएगा काइनेटिक एनर्जी हम लोग क्या लिख सकते हैं हाफ एम वी स्क्वायर इसको वीडेस नाम दे दो वहां पर टोटल काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी और मेन पोजिशन पर टोटल काइनेटिक एनर्जी दोनों इक्वल होगी अब देखो वहां पर क्या था हाफ के ए स्क्वायर सेम था यहां पर भी मेन पोजीशन पर हाफ के ए स्क्वायर होना चाहिए यानी पहले जो वैल्यू थी हाफ कैपिटल एम वी स्क्वायर और अब जो वैल्यू है हाफ इंटू टोटल मास इंटू वीडे स्क्वायर इक्वल है आप इन दोनों को कंपेयर कर लो देखो मास इंक्रीज हुआ जाहिर सी बात है स्पीड डिक्रीज हो जाएगी दोनों कंडीशन में स्पीड डिक्रीज हुआ ऑप्शन नंबर फोर करेक्ट हो जाएगा तो इसमें कौन सा करेक्ट आंसर है वन टू फोर क्लियर अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 था, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। देखो क्या लिखा है? ड्रॉप ऑफ लिक्विड पर मीटर डिवाइड इल्फ इन टू के आइडेंटिकल ड्रॉप तो इनिशियल रेडियस गिवन है फाइनली कुछ रेडियस होगा हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे इन दिस प्रोसेस द टोटल चेंज इन सरफेस एनर्जी एस टेन टू दी पावर माइनस थ्री जूल एफ के इक्वल्स टू टेन टू दी पावर एल्फा देन द वैल्यू ऑफ एल्फा एस देखो सॉल्व करते बच्चों के स्मॉलर ड्रॉप है तो अगर आप वॉल्यूम को इक्वेट कर दो के इंटू फोर बाई थ्री पाई आर क्यूब और फाइनली जो लार्जर ड्रॉप है उसकी वॉल्यूम को आप लिख दो फोर बाई थ्री पाई आर क्यूब ये दोनों वॉल्यूम एक दूसरे के इक्वल होंगे फोर बाई थ्री पाई कैंसल अब अगर आप क्यूब रूट कर दो के टू पावर वन बाई थ्री आर इक्वल्स टू कैपिटल आर ये एक रिलेशन आया ये समझ में आया वॉल्यूम को इक्वेट कर दिया यहां से स्मॉलर रेडियस और लार्जर रेडियस यानी लार्जर ड्रॉप के रेडियस और स्मॉलर ड्रॉप्स या ड्रॉपलेट्स जो है उनके रेडियस का रिलेशन मिल गया इसके हम लोग अभी जरूरत पड़ेगी यूज करेंगे आगे बढ़ते हैं ठीक है अलग से लिख लें यहाँ पर k टू दावर वन बाई थ्री आर इक्वल्स टू कैपिटल आर फिर नेक्स्ट की देखो क्या लिखा है टोटल चेंज इन एनर्जी इंटरनल एनर्जी की अगर हम लोग बात करें सरफेस एनर्जी की वो गिवन है तो सरफेस एनर्जी में जो चेंज होगा इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों चेंज इन एरिया इनटू सरफेस टेंशन एरिया बाद में एरिया ज्यादा है ना के ड्रॉप्स हैं और हर एक ड्रॉप के लिए एरिया फोर पाई आर स्क्वायर इनिशियली क्या था पाई कैपिटल आर स्क्वायर चेंज इन एरिया इंटू सरफेस टेंशन कांस्टेंट ठीक है अब वैल्यूज को पुट करना है बस देखो डेल्टा यू की वैल्यू टेन टू दावर माइनस थ्री गिवन है हम लोग इसमें से एस को अलग कर देते हैं और फोर पाई को भी कॉमन ले लेते हैं फोर पाई एस इसको अलग लिख दें के आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर यही तो आएगा देखो फोर पाई एस की वैल्यू क्या है पुट कर दो पॉइंट वन बाई फोर पाई ठीक है के को ऐसे ही रहने दो आर स्क्वायर अगर आप इसमें कैपिटल आर की वैल्यू दी हुई है हम लोग स्मॉल आर को कैपिटल आर बाई के टू पावर वन बाई थ्री लिख सकते हैं लिख सकते हैं क्या स्मॉल आर की वैल्यू यहां से फाइंड कर लिया इसमें पुट कर देना है क्या हो जाएगा देखो कैपिटल आर स्क्वेयर ओवर के टू पावर टू बाई थ्री और उसके बाद माइनस आर स्क्वायर इतना ही तो है आर की वैल्यू बाद में पुट कर देंगे ये फोर पाई से फोर पाई कट गया क्या है ये टेन टू दावर माइनस वन यहां पे टेन टू दावर माइनस थ्री तो हम लोग इस तरफ टेन टू दी माइनस टू लिख दें आर स्क्वायर को बाहर ले लो यहाँ क्या आ जाएगा K 1 by 3 1, की टू पावर वन बाई थ्री और माइनस वन ठीक है आर की वैल्यू पुट करते हैं आगे सॉल्व कर लेंगे आसान है अब तो देखो टेन टू पावर माइनस टू यहां पर टेन टू पावर माइनस टू का स्क्वायर है तो दो बार लिख देते हैं के टू पावर वन बाई थ्री माइनस वन ये और ये कट गया इधर क्या हो जाएगा हंड्रेड इक्वल्स टू के टू पावर वन बाई थ्री माइनस वन फिर हम लोग क्या लिख सकते हैं वन जीरो वन इक्वल्स टू के टू दावर वन बाई थ्री और k की वैल्यू वन जीरो वन टू 3 थ्री देखो यहाँ जो लिखा है वो क्या लिखा है टेन टू पावर अल्फा के टर्म में लिखा है लगभग लगभग आप इसको हंड्रेड ही मान लो अप्रोक्सीमेटली तो टेन टू पावर सिक्स आ जाएगा और इस क्वेश्चन का आंसर भी सिक्स हो जाएगा क्योंकि हमें अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है ठीक है अब आगे बढ़ते हैं ये था क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर सेवनटीन 17 में क्या लिखा है अ यूनिफॉर्म कैपिलरी ट्यूब ऑफ इनर रेडियस आर इज डिप्ड वर्टिकली इन अ बीकर फिल्ड विद वॉटर द वॉटर राइज हाइट एच इन कैपिलरी ट्यूब अब वाटर सर्फेस इन द बीकर द सर्फेस टेंशन ऑफ द वॉटर इज सिग्मा एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट बिटवीन द वॉटर एंड द वॉल ऑफ द कैपिलरी ट्यूब इज थीटा इग्नोर द मास ऑफ द वॉटर इन द मेनिस्कस विच ऑफ़ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू ध्यान देना बच्चों हम लोग पहले तो जो सरफेस टेंशन का जनरल सा कॉन्सेप्ट है हाइट का फॉर्मूला लिख दें टू एस कॉस थीटा होता है एस के बदले यहाँ सिग्मा लिखा है तो सिग्मा लिखें टू सिग्मा कॉस थीटा ओवर आर रो जी फॉर्मूला होता है इसमें हम लोगों ने मेनिसकस को कंसिडर नहीं किया है तब यह फॉर्मूला आता है पहले ऑप्शन में क्या लिखा है फॉर अ गिवन मटेरियल ऑफ द कैपिलरी ट्यूब यानी हम लोग थीटा को चेंज नहीं कर रहे एच डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन आर आर को बढ़ाओगे एच डिक्रीज होगा करेक्ट लिखा है सेकेंड ऑप्शन में देखो क्या लिखा है फॉर अ गिवन मटेरियल ऑफ द कैपिलरी ट्यूब एच इज इंडिपेंडेंट ऑफ सिग्मा एच तो सिग्मा पे डिपेंड कर रहा है ठीक है ना सरफेस टेंशन कांस्टेंट के चेंज होने से ये एच भी बदल जाएगा आगे देखे नेक्स्ट ऑप्शन में क्या लिखा है इफ दिस एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्मड इन लिफ्ट गोइंग अप यानी एक्सलरेशन है अपवर्ड डायरेक्शन में ठीक है कांस्टेंट एक्सेलरेशन तो एच की वैल्यू क्या होगी डिक्रीज होगी या इंक्रीज होगी अगर अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है हम लोग सीडो फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में ले लेंगे तो जी इफेक्टिव के बदले क्या लिखना पड़ेगा जी प्लस ए यहां पर जी के बदले जी इफेक्टिव जो इंक्रीज हो गया एच की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी यहां भी यही लिखा है इसका मतलब ये ऑप्शन नंबर थ्री करेक्ट लिखा है अब हम लोग फोर्थ ऑप्शन की बात करते हैं इसमें लिखा है एच इज प्रोपोर्शनल टू कॉन्टेक्ट एंगल ध्यान देना बच्चों एच कॉन्टेक्ट एंगल के प्रोपोर्शनल नहीं है कॉस् थीटा के प्रोपोर्शनल है एच थीटा के प्रोपोर्शनल नहीं कॉस् थीटा के प्रोपोर्शनल है तो ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट होगा फर्स्ट और थर्ड इसका सिर्फ करेक्ट है अब हम लोग आगे बढ़ते हैं ठीक है सेवनटीन हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एटीन देखो इसमें क्या लिखा है स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम इज रेस्टिंग ऑन अ फ्लोर एज सोन इन द फिगर द स्प्रिंग इज यानी के की वैल्यू गिवन है टू न्यूटन पर मीटर एंड द मास ऑफ द ब्लॉक ये एम गिवन है टू किलोग्राम ये देखो यहां पे फिगर में दिया है इग्नोर द मास ऑफ द स्प्रिंग इनिशियली द स्प्रिंग इज इन अनस्ट्रेच्ड कंडीशन अनदर ब्लॉक ऑफ मास ये मास ठीक है दो अलग अलग मासेस हैं मास मूविंग विद स्पीड टू मीटर पर सेकेंड फिगर में गिवन है इलास्टिकली विद द फर्स्ट ब्लॉक द द कोलिजन इज सच दैट ब्लॉक डज नॉट हिट द वॉल यानी ये इससे टकराया इलास्टिक कोलिजन है टू के जी का ब्लॉक आगे की तरफ जाएगा लेकिन ये वॉल से कोलाइड नहीं कर रहा ठीक है द डिस्टेंस इन मीटर्स बिटवीन द टू ब्लॉक्स वेन द स्प्रिंग रिटर्न टू इट्स अनस्ट्रेच्ड पोजिशन फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर द कोलिजन ये इससे टकराया टकराने के बाद ये यहाँ जाएगा फिर वापस आएगा उतने देर में ये इस तरफ कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया एक्चुअली हमें यही फाइंड करना है मीटर में सिंपल है समझ में आ गया यहाँ से यहाँ तक जाने और वापस आने में टाइम पीरियड का हाफ इतना समय लग जाएगा तो टाइम की अगर हम लोग बात करें टाइम क्या हो जाएगा टी बाई टू टू पाई स्क्वायर रूट ऑफ एम बाई के यहाँ पर एम क्या है एम टू इसकी वैल्यू ही पुट कर दो एम की वैल्यू है टू देखो के की वैल्यू भी टू लिखा है ये टू से ये टू कट गया और ये भी कट गया पाई सेकेंड टाइम मिल गया चलो अब हम लोगों को क्या फाइंड करना है ये टकराने के बाद किस वेलोसिटी से लौट रहा है यानी वी वन की वैल्यू अगर हमें मिल जाए तो उसको पाई यानी टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे आंसर आ जाएगा सिंपल है तो सॉल्व करते हैं बच्चों टाइम हम लोग क्या यूज करेंगे पाई देखो ये इस तरफ चल रहा है टकराने के बाद इसकी वेलोसिटी जो होगी हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लेते हैं इलास्टिक कॉलिजन का फॉर्मूला होता है एम वन माइनस एम टू बाय वन प्लस एम टू यू वन प्लस टू एम टू डिवाइडेड बाई एम वन प्लस एम टू यू टू यू टू क्या है जीरो तो उसको रहने दो ना ठीक है समझ में आया वैल्यू क्या हो जाएगी देखो यहाँ पर यह माइनस टू बाई थ्री आ जाएगा क्या नेगेटिव साइन तो सिर्फ इस बात को इंडिकेट करता है कि आफ्टर कोलिजन दिस ब्लॉक विल मूव टूवर्ड्स लेफ्ट बस इतना ही तो है ठीक है ना कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक नहीं है टू थ्री अब हम लोगों को क्या फाइंड करना है डिस्टेंस तो डिस्टेंस के लिए स्पीड इनटू टाइम लिख दो स्पीड है टू बाई थ्री टाइम है पाई पाई के बदले क्या पुट करना है थ्री पॉइंट वन फोर जब आप इसको सॉल्व करोगे टू पॉइंट जीरो नाइन आएगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा टू पॉइंट जीरो नाइन समझ में आ गया बच्चों ये था क्वेश्चन नंबर एटीन अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अगला देखो नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन नंबर नाइनटीन इसमें लिखा है

कंडीशन को समझ लो ये एक प्लेट है विच इज पुल्ड टूवर्ड्स राइट अ वेलोसिटी नॉट सपोज इट इज कांस्टेंट एंड दिस हाइट लिक्विड है यहां पर यहां से यहां तक लिक्विड है इस लिक्विड के लिए हाइट एच दिया है ठीक है ना अगर हम लोग विस्कस फोर्स की बात करें मैं लिख देता हूँ विस्कस फोर्स होता है माइनस ईटा इनटू एरिया ए फिर डी यू बाई डी जेड यहां पर जेड हाइट हो जाएगा और ये यू नॉट नीचे एच समझ में आ गया विस्कस फोर्स लिख दिया अब चेक करते हैं देखो पहले में क्या लिखा है रेसिस्टिव फोर्स यही तो है रेसिस्टिव फोर्स रेसिस्टिव फोर्स ऑन द लिक्विड ऑन द प्लेट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एच सही लिखा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एच करेक्ट है सेकेंड में लिखा है रेसिस्टिव फोर्स ऑफ द लिक्विड ऑन द प्लेट इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया ऑफ द प्लेट एरिया से इंडिपेंडेंट नहीं है बच्चों थर्ड में लिखा है टेंजेंशियल स्ट्रेस और सीयर स्ट्रेस ऑफ द फ्लोर ऑफ द टैंक इंक्रीजेस अगर हम लोग फोर्स अपॉन एरिया लिख दें यही तो हो जाएगा सीयर स्ट्रेस ये आ गया क्या लिखा है ये टेंजेंशियल स्ट्रेस ऑन द फ्लोर ऑफ द टैंक इंक्रीजेस विथ यू नॉट यू नॉट के साथ इंक्रीज होगा सही लिखा है और फोर्थ ऑप्शन में लिखा है दिस स्ट्रेस ऑन द प्लेट वेरीज लीनियरली विद द विस्कोसिटी सिंपल सी बात है बच्चों यहाँ पर लिक्विड के लिए अगर हम लोग बात कर रहे हैं देखो एक तो लिक्विड का है दूसरा फ्लोर का है स्ट्रेस एग्जर्ट हो रहा है तो ये किसके प्रोपोर्शनल होगा एक तो यू नॉट के प्रोपोर्शनल होगा ईटा के साथ लीनियरली वेरी कर रहा है तो हम लोग क्या कह सकते हैं ऑप्शन नंबर फर्स्ट थर्ड और फोर्थ करेक्ट है ठीक है आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर नाइनटीन हो गया क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी पे आते हैं ध्यान से समझना ट्वेंटी में लिखा है सिलेंडर कैपिलरी ट्यूब ऑफ रेडियस मिलीमीटर इज मेड बाय ज्वाइनिंग टू कैपिलरीज टी वन एंड टी टू ऑफ डिफरेंट मटेरियल हैविंग कॉन्टेक्ट एंगल जीरो डिग्री एंड सिक्सटी डिग्री तो टी वन के लिए दिया है जीरो टी टू के लिए सिक्सटी द कैपिलरी ट्यूब इज डेप्ड वर्टिकली इन वोटर इन टू डिफरेंट कॉन्फिग्रेशन केस वन एंड केस टू एसन इन द फिगर देखो केस वन में क्या है टी वन ट्यूब नीचे है केस टू में टी टू ट्यूब नीचे है बस इतना ही डिफरेंस है बारी बारी से हर एक ऑप्शन को चेक करना है पहले हम लोग एक बार फाइंड कर लें कि अगर सिर्फ एक लिक्विड टी वन सिर्फ एक ट्यूब होता या सिर्फ टी टू कैपिलरी ट्यूब होता तो उसमें कितना हाइट रेस करता लिक्विड पहले एच वन की बात करें फॉर्मूला होता है टू एस कॉस थीटा बाय आर रो जी एस की वैल्यू कहीं लिखा नहीं है हम लोग एस के टर्म में लिख दें सरफेस टेंशन वाटर है क्या देखो तो वाटर वाटर के लिए पता होता है बच्चों पॉइंट सेवन फाइव लिख दें फिर कॉस जीरो डिग्री कॉस जीरो का मतलब वन आर की वैल्यू पॉइंट टू इंटू टेन टू दावर माइनस थ्री डेंसिटी ये एम था इसलिए लिखा डेंसिटी टेन टू दावर थ्री और ये टेन ये ये कैंसल हो गया इससे ये टेन टाइम्स में कैंसिल ये और ये कट जाएगा पॉइंट जीरो सेवन फाइव होता है बच्चों ऐसा हो गया तो अब कटने के बाद क्या आया पॉइंट जीरो सेवन फाइव मीटर या इसी को आप सेवन पॉइंट फाइव सेंटीमीटर लिख सकते हो क्लियर अब हम लोग एच टू की बात करें एच टू में सब कुछ सेम होगा सिर्फ यहाँ कॉस थीटा के बदले कॉस सिक्सटी डिग्री लिखेंगे हाफ हो जाएगा इसका हाफ रिजल्ट क्या हो जाएगा थ्री पॉइंट सेवन फाइव सेंटीमीटर समझ में आ गया ना यहाँ पर बस हमें वाटर के लिए सरफेस टेंशन कांस्टेंट ये वैल्यू पता होनी चाहिए बस चलो दोनों लिक्विड के लिए हमारे पास H1 और H2 आ गया अब इन सबको मिटाकर फाइनली लिख देते हैं H1 की वैल्यू है 7.5 सेंटीमीटर जबकि H2 की वैल्यू है 3.75 सेंटीमीटर ठीक है चलो देखो अब ऑप्शंस को चेक करते हैं इसमें क्या लिखा फॉर केस टू केस टू में ये टी टू नीचे कैपिलरी ज्वाइंट ये जो ज्वाइंट है फाइव सेंटीमीटर अवव द वाटर सरफेस अगर ये डिस्टेंस फाइव सेंटीमीटर दिया है और इसको पानी में डिप कर रहे हैं ठीक है फाइव सेंटीमीटर हाइट ऑफ वाटर कॉलम रेस्ट इन द ट्यूब विल बी थ्री पॉइंट सेवन फाइव सिर्फ थ्री पॉइंट सेवन फाइव सेंटीमीटर तक ही लिक्विड रेस करेगा यानी फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है मेनिस्कस को हम लोग कंसिडर नहीं कर रहे हैं ठीक है फिर देखो सेकंड में क्या लिखा है फॉर केस वन इस कंडीशन के लिए इफ़ द कैपिलरी जॉइंट इज फाइव सेंटीमीटर अब दाटर सर्फेस फिर से यह फाइव सेंटीमीटर है डिप करेंगे तो इसमें असल में अगर अकेला ये ट्यूब होता तो 7.5 सेंटीमीटर तक जा पाता लेकिन 7.5 सेंटीमीटर से थोड़ा सा कम रह जाएगा क्योंकि इस दूसरे ट्यूब में लिक्विड जो है वो कम हाइट तक गया था समझ में आया ना 7.5 से थोड़ा सा कम देखो अब इसमें क्या लिखा है फॉर केस टू इफ द कैपिलरी इज फाइव सेंटीमीटर अबेस द सरफेस द हाइट ऑफ द वॉटर कॉलम रेज इन द ट्यूब विल बी मोर देन 8.75 सेंटीमीटर देखो बच्चों इसमें अगर अकेला ये ट्यूब होता ना तब भी सिर्फ 7.5 सेंटीमीटर तक ही लिक्विड रेस कर सकता था दूसरा ट्यूब जिसमें कम लिक्विड लिक्विड जो रेस किया उसका लेवल कम है उसको कनेक्ट किया तो ये 7.5 से कम ही रह जाएगा 5 सेंटीमीटर के बाद और जो 2.5 है उससे कम ही रह जाएगा क्लियर तो यहाँ तो 8.75 लिखा है यानी ऑप्शन नंबर टू इनकरेक्ट है कोई दिक्कत तो नहीं अब थर्ड ऑप्शन की बात करते हैं इसमें लिखा है फॉर केस वन देखो केस वन में क्या लिखा है इफ द ज्वाइंट केप्ट एट एट सेंटीमीटर अव द वॉटर सरफेस जॉइंट एट सेंटीमीटर तक है कोई दिक्कत नहीं है लिक्विड कितने हाइट तक जाएगा सेवन पॉइंट सेंटीमीटर तक द हाइट ऑफ कॉलम इन ट्यूब विल बी सेवन पॉइंट फाइव सेंटीमीटर यानी यह ऑप्शन नंबर थ्री करेक्ट है अब फोर्थ ऑप्शन में क्या लिखा है द करेक्शन इन द हाइट ऑफ द वॉटर कॉलम रेस्ड इन द ट्यूब ड्यू टू वेट ऑफ वाटर कंटेंट इन द मिनिस्कस विल बी डिफरेंट फॉर केसेस ध्यान देना बच्चों मेनिस्कस को कंसिडर किए बिना ये जो हाइट हम लोगों ने लिखा है टू एस थीटा बाई आर रोजी इसमें असल में हम लोग मेनिस्कस को नेग्लेक्ट कर देते हैं लेकिन अगर मेनिस्कस को भी कंसिडर कर लें इस लिक्विड को भी ये वाले लिक्विड को भी कंसिडर कर लें तो अलग अलग ट्यूब में ये मास अलग अलग होगा क्योंकि कॉन्टेक्ट एंगल अलग अलग है तो ये टर्म भी अलग अलग होगा इसका मतलब ये हुआ कि जो करेक्शन इन हाइट है ये भी अलग अलग होगा तो ये करेक्ट लिखा है ऑप्शन नंबर फोर सही है यानी क्वेश्चन नंबर वन थ्री और फोर ये तीनों के तीनों सही है ठीक है अब हम लोग आगे बढ़ेंगे देखो बच्चों ध्यान देना अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन इसमें लिखा है ब्लॉक ऑफ वेट हंड्रेड न्यूटन इज सस्पेंडेड बाय अ कॉपर एंड स्टील वायर ऑफ सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया Zero same cross-sectional area zero point five centimeter square and length root three meter and one meter respectively their other ends are fixed on a ceiling as shown in the figure the angles subtended by copper and steel wire with ceiling are thirty degree and sixty degree respectively figure may given a. if elongation in copper wire is delta lc and elongation in steel wire is delta ls then ratio delta lc by delta ls is देखो यहां पे यंग्स मॉडल्स दिया हुआ है कॉपर के लिए ये गिवन है और स्टील के लिए ये गिवन है ठीक है अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है इस तरफ स्टील वायर है यहाँ पे कॉपर का वायर है ये एंगल 60 डिग्री और ये एंगल 30 डिग्री है पहले इन दोनों का कॉम्पोनेंट इस तरफ लिख लो टी एस कॉस सिक्सटी इज इक्वल टू टी सी कॉस थर्टी डिग्री कॉस थर्टी डिग्री की वैल्यू क्या है रूट थ्री बाई टू तो एक रिलेशन आ गया एस इज इक्वल टू टी सी रूट थ्री उसके बाद टी एस और टी टी थ्री ये रिलेशन से हम लोग इलांगेशन फाइंड करना है ना रेशियो डेल्टा एल इज इक्वल टू फोर्स फोर्स के लिए टेंशन लिखेंगे अपॉन एरिया फिर यंग्स मॉडलर्स फिर लेंथ तो दोनों के लिए क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है ऐसा लिखा है हम लोग क्या लिख सकते हैं देखो पहले डेल्टा एल सी लिखा है या डेल्टा एल एस एक बार चेक करते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा है डेल्टा एल सी पहले लिखा है डेल्टा एल सी यहां पर डेल्टा एल एस तो यहां जो टेंशन आएगा वो किसका पहले कॉपर का उसके बाद स्टील का लेंथ भी अगर लिखना हो तो पहले कॉपर का नीचे स्टील का यंग्स मॉडलर्स में उल्टा लिखेंगे पहले स्टील और नीचे कॉपर क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है ध्यान देना टी टीसी और टीएस के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं टीसी बाय बाई टी एस इज इक्वल्स टू वन बाई रूट थ्री लेंथ कॉपर का रूट थ्री मीटर दिया है स्टील का वन मीटर ंगस मॉडल स्टील के लिए टू इंटू टेन टू पावर इलेवन गिवन है कॉपर के लिए वन इंटू टेन टू पावर इलेवन देखो ये कैंसिल होगा ये कैंसिल होगा आंसर आ जाएगा डेसिमल के दो डिजिट तक लिखना है तो टू पॉइंट जीरो जीरो समझ में आया बच्चों ये इसका आंसर हो जाएगा अब हम लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू देखो इसमें क्या लिखा है अ ब्लॉक ऑफ मास टू एम इज अटैच टू अ मासलेस स्प्रिंग of spring constant k this block is connected to other blocks of masses m and 2m using two massless pulleys and string those massless pulleys are strings interconnected the acceleration of the blocks are a1 a2 and a3 as shown in the figure the system is released from the rest with the spring in its unstretched state. इसका मतलब क्या हुआ कि जब स्प्रिंग में कोई इलांगेशन नहीं नेचुरल लेंथ पर है उस वक्त सिस्टम को रिलीज किया गया है द मैक्सिमम एक्सटेंशन ऑफ द स्प्रिंग इज एक्स नॉट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन ऑप्शन आर करेक्ट ठीक है यहां पर जी लिखा है एक्सोरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और नेक्स्ट फ्रिक्शन कहीं भी हमें कंसिडर नहीं करना है चार ऑप्शन दिए हुए हैं पहले ऑप्शन में लिखा है वेन द स्प्रिंग अचीव्स एन एक्सटेंशन ऑफ एक्स नॉट बाई टू फॉर द फर्स्ट टाइम द स्पीड ऑफ द ब्लॉक कनेक्टेड टू द स्प्रिंग इज ठीक है इसको चेक करेंगे फिर सेकेंड में एक्सलरेशन का रिलेशन है थर्ड में ये मैक्सिमम एक्सटेंशन की वैल्यू है और फोर्थ में लिखा है जब एक्सटेंशन एक्स नॉट बाई फोर है तो एक्सलरेशन का मैग्नीट्यूड थ्री जी बाई टेन अब चारों ऑप्शन समझ में आ गया क्वेश्चन समझ में आ गया सॉल्व करेंगे देखो ध्यान देना सबसे पहले हम लोग क्या कर सकते हैं यहां पर स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट का कॉन्सेप्ट यूज करें तो ए टू प्लस ए थ्री बाई टू ये किसके इक्वल होगा ए वन के इक्वल होगा टू को उस तरफ ले जाओ ए टू प्लस ए थ्री ये टू ए वन के इक्वल हो गया समझ में आया देखो तो ये सेकेंड ऑप्शन में क्या लिखा है ए टू माइनस ए वन ए वन को एक ए वन को इधर ले आते हैं ए टू माइनस ए वन यहां पर एक ए वन रह जाएगा ए वन लिखा है समझ पा रहे हो A1 और A3 को उस तरफ ले जाओ ये A3. अब ऑप्शन टू मैच करो यही लिखा है क्या माइनस ए थ्री तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर टू हो जाएगा क्योंकि यह सिंगल करेक्ट क्वेश्चन था तो इसमें हमें और कुछ सोचना नहीं है लेकिन फिर भी हम लोग फर्स्ट थर्ड और फोर्थ ऑप्शन को एक बार चेक करेंगे देखो फर्स्ट थर्ड और फोर्थ के लिए हम लोग इन दोनों को एक कंबाइंड मास मान लेते हैं इक्विवेलेंट मास अगर यहां पर टेंशन इस जगह टेंशन टी मान लें यहां पे भी टेंशन टी मान लें तो यहां पे टेंशन क्या हो जाएगा टूटी हो जाएगा सिर्फ इस सिस्टम की बात करें ये सिस्टम कैसा है देखो ऐसा मान लो अभी अगर ये अकेला सिस्टम होता एक तरफ मास एम दूसरी तरफ मास टू एम तो यहां पर जो टेंशन है टी इसकी वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते थे टू एम वन एम टू डिवाइडेड बाई एम वन प्लस एम टू इन टू जी तो टी बाई जी यहाँ जी डैस मान लेते हैं जो इफेक्टिव एक्सलेशन है टेंशन ऐसा होता सॉल्व करो कितना आएगा फोर एम बाई थ्री ये आ गया ठीक है अब देखो ध्यान देना यहां पे टेंशन टी यहां पे टेंशन टी इस स्ट्रिंग में टेंशन कितना है 2t तो अगर आप इसके लिए डबल कर दोगे 2t by g' तो ये आ जाएगा 8m by 3 तो अब हम लोग इस दो अलग-अलग मास के बदले एक सिंगल मास से इसको रिप्लेस कर देते हैं जिसका मास 8m by 3 होगा इक्विवेलेंट मास अब कैलकुलेट करना आसान हो जाएगा देखो ध्यान देना बच्चों इसके बदले नया सिस्टम कुछ ऐसा है कितना आया था 8m एम बाई थ्री और यहां पर है 2m और ये k इतना समझ में आ गया मैक्सिमम एक्सटेंशन की बात करें तो जब ये नीचे जाएगा देखो स्प्रिंग में मैक्सिमम एनर्जी जो स्टोर होगी हाफ के एक्स नॉट स्क्वेयर और इस दौरान ये मान लो एक्स डिस्टेंस नीचे गया है तो हम लोग ये कह सकते हैं लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एम जो टोटल मास है इन टू जी इंटू एक्सटेंशन एक्स नॉट ये समझ में आया एक्स नॉट से एक्स नॉट को कैंसिल करो तो फिर x0 की वैल्यू क्या आ जाएगी 8 इन टू टू सिक्सटीन एम जी बाई थ्री के ये आंसर आना चाहिए देखो इसमें क्या लिखा है फोर एम जी बाई के ऑप्शन नंबर थ्री इनकरेक्ट है सेकेंड पता है हमें करेक्ट थर्ड इन करेक्ट हो गया फर्स्ट और फोर्थ की बात करते हैं बच्चों फर्स्ट में लिखा व्हेन द स्प्रिंग अचीव्स एन एक्सटेंशन ऑफ एक्स नॉट बाई टू एक्स नॉट बाई टू यानी मैक्सिमम एक्सटेंशन का हाफ यानी कि मेन पोजीशन में देखो ये जब यहां नीचे आएगा तो इस तरह से ऑसिलेट करेगा ठीक है अभी ये सिस्टम हम लोग मान रहे हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा कि एक्स नॉट बाई टू जो है ये मेन पोजीशन है ठीक है अब क्या लिखा है वेन द स्प्रिंग अचीव एन एक्सटेंशन ऑफ एक्सनॉट बाई टू फॉर द फर्स्ट टाइम द स्पीड ऑफ द ब्लॉक कनेक्टेड टू द स्प्रिंग इज अब इस पॉइंट पर हमें स्पीड बताना है किसका इस ब्लॉक का ठीक है तो देखो लोग अब इस ब्लॉक का स्पीड मैक्सिमम होगा ये समझ में आ रहा ना मेन पोजीशन पर स्पीड की बात करें वी मैक्सिमम और मैक्सिमम वेलोसिटी को एम्पलीट्यूड इनटू ओमेगा लिखेंगे क्लियर एक्स नॉट की वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट किया हुआ है बच्चों यहां मैं लिख देता हूं सिक्सटीन एम जी बाई थ्री के अभी अभी कैलकुलेट किया था एक्स नॉट की वैल्यू पुट करेंगे ओमेगा के लिए क्या लिख सकते हैं देखो पहले तो x नॉट बाय 2 ये हो गया 8 म जी बाय 3 के ओमेगा हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ़ के बाय मास तो के तो यहाँ पर ऐसे रहने दो एक मास है 2 म और दूसरा मास इसका इक्विवेलेंट लिखा था 8 म बाय 3 तो आपको क्या लिखना है 8 म बाय 3 समझ में आ रहा है ना इन दोनों को मल्टीप्लाई करो सिक्स यानी कि फोर्टीन आ जाएगा ऊपर थ्री हो जाएगा यहीं आगे कंटिन्यू करते हैं एट एम जी बाई थ्री के इंटू स्क्वायर रूट ऑफ थ्री के बाई फोर्टीन एम यहां तक समझ में आ गया ठीक है अब बाकी ऑप्शंस को इसको अभी मिटा दें फर्स्ट ऑप्शन में क्या लिखा है थ्री जी देखो थ्री जी इंटू एम बाई फाइव के क्या इस फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं थ्री को अंदर लिख दें एट को अंदर लिख दें एम को भी अंदर लिख दें सिर्फ जी बाहर आ जाएगा इसके बाद में लिख रहा हूं जी को बाहर रखा है स्क्वायर रूट ये थ्री के ऊपर है नीचे बच जाएगा थ्री के है ना इसको जब आप अंदर में लिखोगे फोर्टीन है ऊपर एम है एट इंटू एम पहले तो एम देखो एट का स्क्वायर आएगा फिर एम का स्क्वायर आएगा फिर फोर्टीन एम आ जाएगा ये एम से एम कट गया एट का स्क्वायर यानी कि सिक्सटी फोर है सॉल्व करके कभी ये नीचे फाइव आएगा क्या बताओ जब फाइव नहीं आएगा इसका मतलब यह हुआ कि फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट है सिंपल आप इसको पूरे आराम से कैलकुलेट करो यहां तक समझ में आया फिर उसके बाद आराम आराम से सॉल्व करके देखो ये आंसर नहीं आता है अब आगे बढ़ेंगे इसका फोर्थ ऑप्शन भी चेक करते हैं फोर्थ ऑप्शन में क्या लिखा है एट एन एक्सटेंशन ऑफ एक्स नॉट बाई फोर ऑफ द स्प्रिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सलरेशन ध्यान देना मैक्सिमम एक्सटेंशन था एक्स नॉट मीन पोजिशन एक्स नॉट बाई टू यह समझ में आया मीन पोजिशन यहां से यहां तक का डिस्टेंस ये एक्स नॉट बाई टू है यह मीन पोजिशन है अब स्प्रिंग में एक्सटेंशन कितना है एक्स नॉट बाई फोर यानी यह डिस्टेंस है एक्स नॉट बाई फोर तो मेन पोजीशन से ये जो डिस्टेंस होगा ये भी क्या होगा एक्स नॉट बाई फोर ही हो जाएगा हाफ ऑफ क्लियर हुआ यहां तक तो? अगर इस ब्लॉक की बात करें तो ये इस तरह से मूव कर रहा है ऐसे ठीक है तो यहां से जब इस पोजीशन तक आया है एक्स नॉट बाई फोर मेन पोजिशन से यह डिस्प्लेसमेंट भी एक्स नॉट बाई फोर होगा हमें फाइंड करना है एक्सलरेशन और एक्सलरेशन को क्या लिखते हैं ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स और एक्स के बदले है एक्स नॉट बाई फोर ठीक है ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू देखो अभी अभी लिखा था के ऐसा लिखा था ना मैं लिख करके बता देता हूं के बाई टू एम प्लस एट एम बाई थ्री ओमेगा स्क्वायर इस फॉर्म में लिखेंगे ये थ्री ऊपर चला जाएगा यानी कि थ्री के बाई फोर्टीन एम और वन बाई फोर एक्स नॉट की वैल्यू है सिक्सटीन एम जी बाई थ्री के इतना आया था थ्री के से थ्री के को कैंसिल कर दो फोर से ये फोर टाइम्स में कट जाएगा एक और टू ये फोर्टीन है ना एक और टू कटेगा तो टू एम जी बाई सेवन एम ऐसा आ रहा है एक्सेलरेशन एम से एम को कैंसिल कर देते हैं टू जी बाई सेवन लेकिन ऑप्शन में क्या लिखा है थ्री जी बाई टेन इसका मतलब यह गलत है तो अब आपको समझ में आया देखो बच्चों अगर एग्जाम में लिखा हो कि ये सिंगल करेक्ट है और आपको मिल गया ऑलरेडी एक ऑप्शन करेक्ट बाकी चेक करने की जरूरत नहीं है हालांकि अभी मैंने बारी बारी से हर एक ऑप्शन को चेक करके बता दिया कि कौन सा सही है कौन सा गलत है अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री देखो इसमें ऐसा अरेंजमेंट दिया हुआ है क्वेश्चन में लिखा है एन ओपन एंडेड यू ट्यूब ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया कंटेंस वॉटर वॉटर की डेंसिटी यहां गिवन है इनिशियली वाटर लेवल स्टैंड एट पॉइंट टू नाइन मीटर फ्रॉम द बॉटम इन ईच आर्म शुरुआत में दोनों में जो हाइट है वो कितना है पॉइंट टू नाइन मीटर उसके बाद लिखा है केरोसिन ऑयल वाटर इम लिक्विड ऑफ डेंसिटी एट हंड्रेड के जी पर मीटर क्यूब इज एडेड टू द लेफ्ट को एड किया गया है. Until its length is अब हम लोग को रेशियो क्या फाइन करना एच वन बाई एच टू ऑफ दाइट ऑफ द लिक्विड इन द टू आर्ट क्या समझना पहले दोनों में टोटल हाइट कितनी थी ये लेंथ तो कॉन्स्टेंट है बदलेगा नहीं पहले इधर भी पॉइंट टू नाइन इधर भी पॉइंट टू नाइन अभी इसमें वन मीटर लेंथ के एक्स्ट्रा केरोसिन ऑयल को ऐड किया गया है तो टोटल हाइट की बात करते हैं ध्यान से समझो टोटल हाइट की बात करें पहले था टू इंटू पॉइंट टू नाइन मीटर इधर भी पॉइंट टू नाइन उधर भी पॉइंट टू नाइन अब अगर इसमें पॉइंट वन मीटर एक्स्ट्रा ऐड कर दिया तो ये किसके इक्वल हो गया एच वन प्लस एच टू के इक्वल ठीक है इसको ट्वाइस कर दें पॉइंट फाइव एट हो जाएगा प्लस पॉइंट वन यानी हम लोग लिख सकते हैं एच वन प्लस एच टू इज इक्वल टू पॉइंट सिक्स एट ये एक इक्वेशन समझ में आया जरूरत पड़ेगी इसको कहीं लिख लेते हैं यहां लिख लेते हैं एच वन प्लस एच टू इज इक्वल टू पॉइंट सिक्स एट अब हम लोग आगे बढ़ेंगे देखो अब उसके बाद क्या लिखा है कि पॉइंट वन मीटर का जब लिक्विड यहां पर केरोसिन ऑयल ऐड किया गया है तो यहां पर एच वन हाइट है यहां पर एच टू हाइट है इस पॉइंट का और इस पॉइंट का प्रेशर सेम होगा सेम हॉर्जेंटल लेवल में सेम लिक्विड है अनएक्सेलरेटेड है तो प्रेशर सेम होगा इस पॉइंट का प्रेशर पी नॉट इस पॉइंट का प्रेशर पी नॉट देखो पी नॉट है यहां पे प्रेशर क्या हो जाएगा डेंसिटी ऑफ ऑयल इंटू जी इंटू हाइट ऐसे लिख देते हैं ब्रैकेट में पॉइंट वन मीटर उसके बाद फिर हम लोग नीचे जाते हैं अब वाटर है डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी इंटू हाइट क्या हो जाएगा एच वन माइनस पॉइंट वन अब ये किसके इक्वल होगा पी नॉट प्लस देखो यहां में लिखता हूं इक्वल टू पी नॉट प्लस डेंसिटी ऑफ वॉटर इंटू जी इंटू एच टू अब P नॉट से P नॉट कैंसिल हो गया यहां तक समझ में आया आगे हम लोगों को सॉल्व करना है तो नया पेज निकालें, देखो अब इसको मिटा दो इसके आगे सॉल्व करते हैं सब में जी है कैंसल हो जाएगा डेंसिटी ऑफ ऑयल इन टू पॉइंट वन इस को उठाकर उधर ले जाए क्या हो जाएगा या इस तरफ ही रहने दो बाद में चलो अब ले गए तो ले गए डेंसिटी ऑफ W into h2 minus density डेंसिटी ऑफ वाटर h2 minus h2 नहीं है h1 है h1 वन माइनस पॉइंट वन ये लिखा है ठीक है सब में से g को कैंसिल किया जो बचा यहां पे लिख दिया इस टर्म को उठाकर दूसरे तरफ लिख दिया अब इसकी जरूरत नहीं है अब इसको मिटा दो ये केरोसिन ऑयल के लिए 800 दिया है डेंसिटी पॉइंट वन यहां पर 10 टू दावर थ्री एच टू कॉमन ही ले, ले लेते हैं तो यहां क्या बच जाएगा माइनस एच वन प्लस पॉइंट वन ये जीरो ये जीरो कैंसल ये जीरो ये जीरो कैंसिल ये जीरो ठीक है तो अब यहां पर 10 है 10 से डिवाइड कर देना पॉइंट जीरो एट इक्वल्स टू एच टू माइनस एच वन प्लस पॉइंट वन इसको उठाकर इधर ले आओ एच वन माइनस एच टू इज इक्वल्स टू पॉइंट वन माइनस पॉइंट जीरो एट यानी कि एच वन माइनस एच टू की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों जब हम लोग माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा पॉइंट नाइन नहीं पॉइंट जीरो टू आएगा पॉइंट जीरो टू दो इक्वेशन आगे देखो एक इक्वेशन ये रहा जो पहले सॉल्व किया था एक इक्वेशन ये रहा अब दोनों को प्लस कर दें तो दोनों को प्लस करके H2 टू कैंसिल हो जाएगा 2H1 आ जाएगा 0.7 0.7 आ जाएगा ना तो H1 की वैल्यू क्या आ गई 0.35 H2 की वैल्यू इसमें से 0.2 माइनस कर देंगे 0.33 H1 H2 आ गया अब हम लोगों को देखना है कि एच वन बाई एच टू फाइंड करना था क्वेश्चन में या एच टू बाई एच वन अभी तो लिख दे एच वन बाई एच टू क्या है थर्टी फाइव बाई थर्टी थ्री अगर एच टू बाई एच वन फाइंड करना है तो रिवर्स करेंगे ऑप्शन चेक करते हैं क्या लिखा है एच वन बाई एच टू सही लिखा है थर्टी फाइव बाई थर्टी थ्री देखो तो ये सेकंड ऑप्शन में लिखा है थर्टी फाइव बाई थर्टी थ्री इसका मतलब इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ठीक है बच्चों अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री था देखो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर में क्या लिखा है व्हेन वाटर इज फिल्ड केयरफुली इन ग्लास इन अ ग्लास वन कैन फिल इट टू अट एच अब रेम ऑफ द ग्लास ड्यू टू सरफस टेंशन ऑफ वॉटर टू कैलकुलेट एच ये एच गिवन है just before water starts flowing model the shape of the figure model the shape of the water above the rim as a disk of thickness h having semicircular edge as shown schematically in the figure when the pressure of water at the bottom of this disk exceeds what can be withstood due to the surface tension

ये जो कंस्ट्रक्शन है ये वाला पार्ट सेमी सर्कुलर पार्ट है और यहां से यहां तक हाइट h है अगर हम लोग रेडियस की बात करें रेडियस r h बाई टू होगा और इस प्लेन सरफेस के लिए रेडियस को ऑलमोस्ट इन्फिनिटी कह दें ये समझ में आया ठीक है अब हम लोग आगे बढ़ेंगे देखो यहां पर एक्सेस प्रेशर की बात करें एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला होता है सरफेस टेंशन कांस्टेंट इनटू वन बाई आर वन प्लस वन बाई आर टू अगर दो अलग अलग रेडियस ऑफ कर्वेचर हैं तो यहां पर इस कर्व सरफेस के लिए अलग रेडियस ऑफ कर्वेचर इस सरफेस के लिए अलग रेडियस ऑफ कर्वेचर प्रेशर को हम लोग रो जी एच लिख देते हैं यहां पर डिफरेंस इन प्रेशर ये सरफेस ये सरफेस इन दोनों का प्रेशर डिफरेंस सर्फेस टेंशन एच यहां पर वन बाई आर वन के लिए एच बाई टू और आर टू इंफिनिटी प्लेन सरफेस है ऑलमोस्ट तो उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं अगर इंफिनिटी नहीं भी है एग्जैक्ट डिस्क जैसा ये फ्लैट ना भी हो थोड़ा सा ऐसा कर्ड भी है तो भी इसके कॉम्पेरिजन में उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर बहुत ज्यादा होगा तो उसको नेग्लेक्ट कर दिया क्या हो जाएगा रो जी एच इक्वल्स टू टू एस बाई एच यहां तक समझ में आ गया एच को इस तरफ ले आओ तो लेक्र इक्वल्स टू टू एस बाई रो जी और इसका मतलब एच की वैल्यू हो जाएगी देखो स्क्वेर रूट ऑफ टू एस बाय रो जी अब हम लोग सिर्फ वैल्यूज को पुट कर देते हैं आंसर आ जाएगा सिंपल है हाइट ही फाइंड करना है ना ठीक है स्क्वायर रूट ऑफ टू देखो एस के बदले क्या है पॉइंट जीरो सेवन डेंसिटी है टेन टू पावर थ्री और जी की वैल्यू टेन ये नीचे आ जाएगा टेन टू पावर थ्री को आप नीचे ले लो रूट फोर्टीन बाई टेन टू पावर थ्री मीटर आंसर किस में लिखना है मिलीमीटर में तो मिलीमीटर में आप इसको रूट फोर्टीन मिलीमीटर लिख सकते हो रूट फोर्टीन का मतलब थ्री पॉइंट सेवन फोर वन हमें तो दो डिजिट में ही आंसर करना है डेसिमल के बाद दो डिजिट तो क्या लिखेंगे थ्री पॉइंट सेवन फोर ठीक है बच्चों अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव देखो उसमें क्या लिखा है अ ट्रेन विथ सेक्शनल एरिया एस टी इज मूविंग विद स्पीड वी टी इन साइड अ लॉन्ग टनल ऑफ सेक्शनल एरिया एस नॉट s0 is equals to 4 St. assume that almost all the air of density rho in front of the train flows back between its sides and the wall of the tunnel also the air flows with respect to the train is steady and laminar take the ambient pressure and the, that inside the train be p0 train can there be pressure p0 or bahar ambient pressure be p0 hai. tunnel can there और ट्रेन के बीच में अलग प्रेशर होगा इफ द प्रेशर इन द रीजन बिटवीन द साइड ऑफ ट्रेन एंड टनल वॉज पी देखो लिखा ना पी देन पी नॉट माइनस पी इक्वल टू सेवन बाई टू एन रोवीट ऐसा लिखा है हमें n फाइंड करना है सॉल्व करते हैं बच्चों सबसे पहले तो समझ लो क्वेश्चन में लिखा क्या है यह टनल है ठीक है और इसमें हम लोग मान लें ये ट्रेन ये ट्रेन जा रही है किस वेलोसिटी से वी वेलोसिटी से वी टी लिखा है ट्रेन के वेलोसिटी और ट्रेन के लिए जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है एस टी है एस टी और यहां पर क्रॉस सेक्शनल एरिया फोर एस टी चलो इसके लिए एस टी और पूरा एस नॉट है टनल के लिए उसको फोर एस टी लिख दे हम लोग पूरा का पूरा क्रॉस सेक्शनल एरिया यहां से जो एयर इस तरफ आ रही है मतलब एयर एसल में रेस्ट में ट्रेन जैसे ही इस टनल से होकर के पास होगी तो हम लोग कह सकते हैं कि इसके रेस्पेक्ट में यहां जो एयर है उसकी वेलोसिटी इस तरफ होगी वी टी समझ में अब इसके साथ देखो ट्रेन इधर जा रही है तो इस तरफ से ये एयर पास होगी इस जगह वेलोसिटी वी मान लेते हैं अब ट्रेन के रेस्पेक्ट में बात करते हैं यहां पर वेलोसिटी वी टी ये समझ में आया क्योंकि लेमिनर है तो बर्नॉलीस इक्वेशन हम लोग यूज कर सकते हैं अब सॉल्व करेंगे यहां पर प्रेशर पी है पी नॉट और इस जगह का प्रेशर पी पी नॉट माइनस पी की वैल्यू इस फॉर्म में लिखी है हम लोग पहले ही लिख ले नॉट माइनस पी इज इक्वल्स टू सेवन बाई टू एन रो वी टी स्क्ना है ये एन की वैल्यू फाइंड करनी है ठीक है अब नया स्लाइड निकाले देखो यहां के लिए और यहां के लिए दोनों जगह पर हम लोग बर्नौलीज इक्वेशन अप्लाई कर दे इस जगह प्रेशर क्या होगा पी नॉट प्लस हाफ रो वी टी स्क्वेर क्योंकि सेम हाइट है तो हम लोग उसमें रोजीएच का टर्म नहीं लेते यहां पर प्रेशर पी प्लस हाफ रो वी स्क्वायर एक और रिलेशन इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी देखो यहां पर फोर एसटी है तो फोर एसटी इनटू इंटू वी ए वन वी वन लिखा है ठीक है इस तरफ क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है फोर एस टी और वेलोसिटी टी यहां के लिए देखो एक ट्रेन के लिए एस टी क्रॉस सेक्शनल एरिया कवर कर रहा है तो बाकी जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा वो कितना हो जाएगा फोर एस टी माइनस एस टी यानी थ्री एस टी थ्री एस टी और स्पीड वी ये समझ में आया ना ए वन वी वन इक्वल टू ए टू वी टू किया है शुरुआत में ये पूरा सेक्शनल एरिया लिया और इस जगह जब एयर टनल और ट्रेन के बीच से होकर पास हो तब उस कंडीशन में ये ट्रेन के क्रॉस सेक्शनल एरिया को माइनस करके हमारे पास थ्री एस आ जाएगा एस से एस को कैंसिल कर दो v की वैल्यू देखो यहां पर तो vt है ना तो v को आप क्या लिख सकते हो 4 by 3 VT. अब इसकी जरूरत पड़ेगी यहां पे पुट कर देंगे क्या फाइंड करना पी नॉट माइनस पी तो पी नॉट माइनस पी इक्वल्स टू इसको उठाकर उधर ले जाओ और हाफ रो कॉमन ले लो वी स्क्वे माइनस वी टी आगे ना v की वैल्यू पुट करो जरा हाफ रो पुट करने पर देखो वी टी को बाहर ले लें सिक्सटीन बाई नाइन माइनस वन कितना हो जाएगा सेवन बाई नाइन लिख देते हैं सेवन बाई टू इंटू नाइन रो वी टी अब देखो सेवन बाई टू है यहां पर एन इसकी वैल्यू फाइंड करनी है कॉम्पेयर कर लो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी नाइन सिंपल है समझ में आ गया तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा नाइन अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स देखो इसमें क्या लिखा है अ हॉट एयर बलून इज कैरिंग सम पैसेंजर्स एंड अ फ्यू सैंड बैग्स ऑफ मास वन के जी हर एक बैग के लिए मास है वन के जी

अब एन बैग्स को इसमें से फेंक दिया जहर से बात है इसका वेट कम हो जाएगा बाय क्योंकि वॉल्यूम सेम है तो ये थोड़ा सा तो ऊपर जाने लग जाएगा द बलून राइजेस टू अ न्यू इक्विलिब्रियम हाइट ऑफ 150 मीटर विद वॉल्यूम मीटर रिमेनिंग अनचेंज ठीक है इफ द वेरिएशन ऑफ डेंसिटी ऑफ एयर विद हाइट एच फ्रॉम द ग्राउंड इज रो एच इक्वल्स टू रो नॉट ई टू दर माइनस एच बाई एच नॉट रो नॉट की वैल्यू गिवन है 1.25 और एच नॉट की वैल्यू गिवन है 600, 6000 मीटर द वैल्यू ऑफ एन अब हमें यह बताना है कितने सैंड बैग्स को गिराया गया है पहले 100 मीटर पर इक्लिबियम में है बाद में एन सैंड को थ्रो कर दिया उसके बाद ये 150 मीटर पर इक्लिबियम में है यहां तक समझ में आ रहा है अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे बच्चों देखो डेंसिटी का जो टर्म है ना उसको लिख लेते हैं रो नॉट क्या था दी पावर माइनस एच नॉट बाई एच यही तो था ठीक है शुरुआत में देखो हम लोग ऐसे कह देते हैं ऊपर की तरफ बायसी लगेगा नीचे की तरफ एम जी लगेगा और ये बैलेंस्ड होगा 100 मीटर पर था शुरुआत में तो बायसी को आप क्या लिख सकते हो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी ठीक है और मास कितना दिया था 480 लिखा था फोर एटी इंटू जी तो एक इक्वेशन हम लोग क्या लिख सकते हैं फोर एटी इंटू जी इज इक्वल्स टू वी इंटू जी और डेंसिटी को ऐसे लिख देते हैं रो नॉट ई टू दी पावर माइनस उल्टा लिख दिया यहां ऐसा लिखा है h बाई एच नॉट ये लिखा है तो h के बदले हम लोग जो वैल्यू है उसको पुट कर देते ना पहले 100 मीटर पर है क्या ठीक है H0 नॉट के वैल्यू 6000 गिवन है बाद में इसमें से n बैक्स को फेंक दिया और n बैक्स का मतलब एन के जी कम हो गया तो अब कितना मास रह जाएगा 480 एट्टी माइनस एन वॉल्यूम सेम है जी सेम है यहां पर अब हाइट 150 मीटर हो गया डेंसिटी एयर की बदल गई क्या लिख देंगे 150 फिफ्टी बाई एच नॉट एक इक्वेशन वन दूसरा इक्वेशन टू दोनों को डिवाइड कर देते हैं हम लोग को एन फाइंड करना है तो टू डिवाइडेड बाय वन कर दो 480 एट्टी माइनस एन बाई फोर इतना आया यहाँ पे वी जी रो नॉट, कैंसिल हो गया ई टू दी पावर माइनस वन फिफ्टी प्लस हंड्रेड By एच नॉट समझ में आ गया सिंपल कैलकुलेशन किया है ठीक है इसको लिखेंगे देखो वन माइनस एन बाई फोर एट्टी फोर एट्टी इक्वल्स टू यही लिख दे पावर माइनस फिफ्टी बाई एच नॉट अब ई टू पावर एक्स का फॉर्मूला होता है वन प्लस एक्स प्लस एक्स एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन आता है ना कैसे लिखते हैं टू दी पावर एक्स को वन प्लस एक्स बाई फैक्टोरियल वन प्लस बाई फैक्टोरियल टू प्लस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल थ्री इंफेनाइट सीरीज है अगर एक्स की वैल्यू बहुत कम है वन के मुकाबले तो हम लोग फर्स्ट टू टर्म्स लिखते हैं यानी वन प्लस एक्स देखो एक्स क्या है यहाँ पर माइनस फिफ्टी बाई एच तो इसको लिखेंगे प्लस था ना माइनस हो जाएगा फिफ्टी बाई एच नॉट वन से वन कट गया ठीक है माइनस माइनस कैंसल एन की वैल्यू अब आप क्या लिख पाओगे देखो एन की वैल्यू हो जाएगी 480 एट्टी इंटू फिफ्टी बाई फोर एट्टी इंटू फिफ्टी बाय एच नॉट एच नॉट की वैल्यू 6000 गिवन है इधर आप सॉल्व कर लेते हैं देखो n इज इक्वल्स टू फोर एट्टी इंटू फिफ्टी और सिक्स थाउजेंड ये जीरो कैंसिल ये जीरो कैंसिल फाइव से ट्वेल्व टाइम्स में कैंसल ट्वेल्व से ये फोर टाइम्स में कैंसिल कितने सेंड को थ्रो किया गया होगा फोर सेंड को क्लियर यानी आंसर इसका क्या हो जाएगा फोर अब डेसिमल में लिखोगे फोर पॉइंट जीरो जीरो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन देखो ध्यान देना इसमें क्या लिखा है अ क्यूबिकल सॉलिड हैल्यूमिनियम बल्क मॉडल गिवेन है सेवेंटी सॉलिड एल्यूमिनियम ब्लॉक हैज एन एज लेंथ ऑफ वन मीटर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ अर्थ सरफेस पर अर्थ सरफेस पर उसका साइज का मतलब जो एज लेंथ है वो गिवन है वन सेंटीमीटर ठीक है अब लिखा है इट इज कैप्ट ऑन द फ्लोर ऑफ अ फाइव किलोमीटर डीप ओशन अब इसको अगर आप ओशन के अंदर ले जाओगे फाइव किलोमीटर डेफ पर प्रेशर बहुत ज्यादा होगा तो क्या होगा थोड़ा सा डायमेंशन उसका कम हो जाएगा टेकिंग द एवरेज डेंसिटी ऑफ वाटर एंड द एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी टू बी देखो डेंसिटी ऑफ वाटर एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये गिवन है द चेंज इन एज ऑफ लेंथ ऑफ द ब्लॉक इन मिलीमीटर इज फॉर्मूला देखो बल्क मॉडलर्स का क्या होता है डेल्टा पी लिख देते हैं या डी पी अपॉन डेल्टा वी बाय वी ये नेगेटिव साइन तो सिर्फ इस बात को बताता है कि अगर प्रेशर को बढ़ाओगे वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा ठीक है इसको उठाकर इधर ले आओ डेल्टा वी बाय वी नेगेटिव है कोई दिक्कत नहीं ये डेल्टा पी बाय अब वॉल्यूम को अगर आप एल क्यूब लिख दो तो डेल्टा वी बाय वी को देखो डेल्टा वी बाय वी को थ्री टाइम्स ऑफ डेल्टा एल बाय एल लिख सकते हैं क्या कोई दिक्कत तो नहीं है यही कॉन्सेप्ट यूज करना है ठीक है अब इसको मिटा दे सबको मिटा देते हैं ये लो क्या लिखना होगा थ्री टाइम्स ऑफ डेल्टा एल बाय एल पॉजिटिव नेगेटिव ये तो सिर्फ इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि वैल्यू इंक्रीज हो रही है और डिक्रीज हो रही है बस इतना ही फिर चेंज इन प्रेशर अपॉन बल्क मॉडल थ्री डेल्टा एल एल के बदले वन हमें क्या चाहिए डेल्टा एल फाइंड करना है डेल्टा पी डेल्टा पी रो जी एच लिख दें रो जी और फाइव किलोमीटर बल्क मॉडुलस सेवेंटी गीगा ठीक है अब सॉल्व करते डेल्टा एल इक्वल्स टू ये थ्री नीचे आएगा इधर थ्री है इस तरफ नीचे तो डिवाइड में लिख दें थ्री इंटू सेवेंटी इंटू टेन टू पावर नाइन रो की वैल्यू टेन टू द पावर थ्री जी भी टेन गिवन है और हाइट फाइव किलोमीटर फाइव इंटू टेन टू पावर थ्री ये एक जीरो ये एक जीरो कैंसिल हो गया डेल्टा एल को हम लोग क्या लिख सकते हैं फाइव बाई सेवन इंटू थ्री ट्वेंटी वन टेन टू पावर सिक्स और माइनस नाइन यानी टेन टू पावर माइनस थ्री मीटर अब देखो हमें आंसर जो करना है वो मिलीमीटर में तो इसको आप क्या लिख सकते हो फाइव बाई ट्वेंटी वन मिलीमीटर ठीक है अब तो सिंपल हो गया फाइव बाई ट्वेंटी वन मिलीमीटर जब आप सॉल्व करोगे तो पॉइंट टू थ्री एट मिलीमीटर आएगा टू डिजिट में लिखना है तो पॉइंट टू फोर मिलीमीटर समझ में आया ना आप चाहो तो इसको बाइनोमियल थ्योरम से सॉल्व कर सकते हो चाहे तो डायरेक्ट डिवाइड करके सॉल्व कर सकते हो जो भी प्रोसेस है सॉल्व करोगे आंसर इस फॉर्म में आ जाएगा क्लियर है समझ में आया बच्चों तो उम्मीद है ये जो वीडियो है आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा नई नई वीडियोस लेकर के हम लोग फिर हाजिर होंगे तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए मुस्कुराते रहिए थैंक यू